तो दोस्त कैसे हो यार। सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले लेक्चर नंबर 89 सही है दोस्तों। और लेक्चर नंबर यार 89 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों, हम पढ़ने वाले हैं यार ओथ मिडिल वेयर। ठीक है, तो कुछ तो मिडिल वेयर से रिलेटेड कहानी होने वाली है। ठीक है, कुछ तो मिडिल वेयर से रिलेटेड कहानी होने वाली है, और जो कि ओथ मिडिल वेयर है। ठीक है, अब ये देखो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी तुम्हारे सामने, और ये प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। मतलब मेरे सारे लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये तुम अगर देख रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि पूरी वेब डेवलपमेंट यार आपस में रिलेटेड है। सही है, ठीक है, क्योंकि तुम उठाओगे कोई भी चीज़ उठा लो। ठीक है, स्टार्टिंग HTML से होती है भाई। सही है, फिर धीरे धीरे JavaScript तो हर जगह ही घुसती है, फिर रिएक्ट आती है, फिर ये सारी चीज़ आती है। इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स में आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारी की सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, सही है। तो लेक्चर नंबर 89 करने वाले हैं भाई साहब, और भाई साहब हम पढ़ने वाले हैं ओथ मिडिल वेयर है। ठीक है, हमने ओथ का हमने प्रीवियस लेक्चर में एक दर्शन किया था कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, JWT ऐसे होता है, उसके अंदर तीन चीज़ होती है, हेडर, पेलोड। पेलोड को क्या बोलते हैं, जस्ट नाम है, डेटा ही बोलते हैं, एंड तुम्हारा सिग्नेचर होता है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये हमारा क्या आ गया, ओथ मिडिल वेयर आ गया, बल्ले बल्ले। सही है, मिडिल वेयर नहीं आया, ओथ आया। ठीक है, JWT जो हमने समझा था, हमने उसके सारे मेथड भी देखे थे। अगर मैं ऊपर करूँ, ठीक है, डिकोड कैसे करते हैं, साइन कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। सही है, सही है कि नहीं है। वेरीफाई में हमें मस्ट है कि ट्राई एंड कैच का ब्लॉक, ट्राई एंड कैच यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं डिकोड में बोल रहा था, लेकिन वेरीफाई में है कि अगर डेट वेरीफाई मतलब वैलिड हुआ तो तुम्हें वो डेटा दे देगा, अदरवाइज तुम्हें एरर देगा। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए यू शुड यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सही है, और डिकोड वाले में क्या होगा, अगर ठीक है तो डेटा दे देगा, नहीं है तो नल दे देगा। ठीक है, तो इसमें ही ऐसे दे देता, ये तो तुम्हारा जनरेट करता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर की गाथा है ये सारी की सारी भाई साहब। ठीक है, ये तुमने एक हल्का सा देखा, ये जो लिख रखा है ये तुम्हारा एक JWT होता है जिसके अंदर ये तीन पार्ट होते हैं। और हाँ, प्रीवियस लेक्चर में तो इतना ही था, आज एक चीज़ और थी निशान भाई। एक चीज़ क्या थी यार, वो एक चीज़ ये थी कि जो ये बॉडी है ना, ये बॉडी दिख रहा है, इसके थ्रू हमने एक JWT पास किया था। ठीक है, लेकिन हम इसके थ्रू नहीं करेंगे, किसके थ्रू करेंगे आज, हेडर के थ्रू करेंगे। कुकीज़ के थ्रू कब करेंगे हम लोग, कुकीज़ के थ्रू बाद में करेंगे, अभी नहीं। मेन जो हमारा ज़्यादातर हम होता है वो हेडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेडर्स के थ्रू कैसे करेंगे पास से सारी चीज़ें वो देखेंगे। मेन चीज़ यार ये है कि ये सारी चीज़ें तो मैं बताऊंगा आपको, प्लस हम यहाँ पे फ्रंट एंड भी देखेंगे भाई, फ्रंट एंड से ये सारी चीज़ें कैसे संपर्क कर रही होंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हवा में नहीं होगी, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी। मैं तुम्हें उससे तो समझाऊंगा समझाऊंगा, किससे क्या बोलते हैं यार, उसे मैं भूल जाता हूँ, पोस्टमैन से। ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड पे एक्चुअली चीज़ कैसे होती है वो भी हम आज के उसमें वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, कैसे मैं लोकल स्टोरेज में चीज़ें स्टोर कराऊंगा, लोकल स्टोरेज अभी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोकल स्टोरेज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब करेंगे लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है किस लिए तुम लोकल स्टोरेज का यूज़ करना चाहते हो, क्या तुम, डिपेंड करता है डेटा किस टाइप का, लाइक सेंसिटिव है या फिर ठीक है भाई ऐसी है, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, कुकीज़ का यूज़ करेंगे, कुकीज़ में तुम्हें सिखाऊंगा एक दो लेक्चर बाद। सही है, क्योंकि उसमें है डिटेल है, ये नहीं मैं तुम्हें यहीं सिखा दूँ, सुख कुकी अच्छे से करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है निशान भाई, स्टार्ट करो समझाना, सुनाओ मिडिल वेयर क्या होता है। ठीक है, तो मिडिल वेयर क्या होता है, बीच का आदमी होता है। मैं अभी कुछ गलत वर्ड बोल देता है, लेकिन अब बीच का होता है भाई कुछ तो, है ना। ठीक है, तो मिडिल वेयर होता है। अच्छा, मिडिल वेयर का यूज़ कैसे करते हैं तुम, लाइक तुमने देखा होगा एक्सप्रेस में, तो हम सॉरी दोस्तों, ऐप डॉट यूज करके करते हैं, लाइक हमने एक्सप्रेस यूज़ किया है। ठीक है, और तुम्हारा बॉडी पार्सर भी आता है। ठीक है, और मैंने कोड्स भी तुमको यूज करा रखा है। ठीक है, तो मैं एक बार पहले कोड खोल लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, अरे कट हो गया क्या, नहीं हुआ तो ये भाई तुम्हें देख के डर सा नहीं लग रहा है, क्या बना रहे हो तुम ही बना रहे हो भाई, मैं नहीं बना रहा हूँ, तुम ही बना रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने खुद ही करी है। ठीक है, और हर एक लेक्चर में हमने हर एक चीज़ें बिल्ड करी है धीरे धीरे। सही है, ठीक है, तो ये देखो, ये इतनी सी फाइल है, यहाँ पे तुमने कोड्स को यूज़ कर रखा है, एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ कर रखा है, दिस आर तुम्हारा मिडिल वेयर्स। ठीक है, ठीक है, एक नया अब निशान भाई ने बोला है ओथ मिडिल वेयर। ठीक है, तो हम पता क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर, उसका नाम रखते हैं मिडिल वेयर। ठीक है, मिडिल वेयर्स रख दो, वेयर रख दो, मर्जी है तुम्हारी, एक है तो वेयर, वेयर्स मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं ओथ डॉट जे एस, मर्जी है तुम्हारी।
या वेरीफाई यूजर डॉट जे एस, ठीक है। तो इसके अनेक नाम होते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेट कर लो यूजर को, ये याद रहता है। तो इसके अनेक नाम हो सकते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके तो कुछ भी नाम रख दो, मैं रखता हूँ ऑथ डॉट जे एस, ठीक है। तो ये मेरी फाइल बन गई, इसके अंदर हम मिडिलवेयर राइट करेंगे भाई, ठीक है। इसके अंदर हम मिडिलवेयर राइट करेंगे। अब मिडिलवेयर क्या है यार, मतलब तुम एक चीज़ समझा करो, ठीक है, एक चीज़ पकड़ने की कोशिश करा करो, वो नहीं ये कि मिडिलवेयर मतलब ठीक है, सारी चीज़ सही है भाई, यार फंक्शन ही है ना, मतलब इतना भी तो रॉकेट साइंस नहीं है ना, ठीक है, फंक्शन ही तो है, ठीक है। रिएक्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक नई चीज़ आई थी भाई, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट, ठीक है, कॉम्पोनेंट भी तो फंक्शन ही था ना, मतलब एट द एंड यार तुम देखोगे सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फंक्शन में ही हो रही हैं। ये देखो ये फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, ये देखो फिर फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। लॉग भी तुम्हारा एक फंक्शन ही है भाई, जिसके अंदर तुम सर्वर डॉट स्टार्टेड पास कर रहे हो। ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है ब्रो, ब्रो ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है, जो लाइन लिख रखी है ये क्या एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अगर तुम लॉग में जाओगे तो देखो यहाँ पे देखो मैसेज आया तुम्हारा, दिख रहा है, ये इंटरनल देखा करो कभी, तो ये भी क्या एक आर्ग्यूमेंट है। सारी चीज़ें तुम फंक्शन में देख पा रहे हो ना भाई, ये क्या है, ये यूज एक फंक्शन है, इसके अंदर तुमने एक फंक्शन दिया, ध्यान से देखा करो मजा आएगा, फंक्शन ही है ना भाई, फंक्शन ही है ना भाई। तो ये मिडिलवेयर भी भाई फंक्शन ही है भाई, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस थोड़ी है, मिडिलवेयर भी फंक्शन ही है। यार निशांत भाई एक बात बताओ, आप ना तो यहाँ यूज़ करते हो मिडिलवेयर का, तो इसका क्या बना लिया तुमने? मैंने कहा हम एक सेपरेट फाइल बना लिए, ठीक है, सेपरेट फाइल बना ली जहाँ पे हम मिडिलवेयर बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करें, बनाते हैं। तो एसिंक तो तुम लिख ही लिया करो बाई डिफॉल्ट, ठीक है, नीड आई तो कर लेंगे यूज, नहीं आई तो हटा देंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स तुम देखोगे तुम अवेट का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो एसिंक तो तुम्हारी आदत बन जानी चाहिए टाइप करने की, एसिंक फंक्शन से स्टार्ट करूंगा मैं। अगर तुम वो बना रहे हो लाइक कौन सा वाला एरो फंक्शन बना रहे हो, तो उसको मैं जनरली यही बना लेता हूँ। चलो आज एरो बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं एरो? कॉन्स्ट, मैंने बोल दिया, इसका नाम दे दिया वेरीफाई यूजर, ठीक है, मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया वेरीफाई यूजर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया, इसको मुझे एसिंक बनाना है, तो एसिंक बनेगा ये वाला, सही है। और इसको एक्सपोर्ट कराना है, तो वही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू वेरीफाई यूजर, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा तुम्हें जैसे कि इसको इसके आगे कराना है, तो तुम्हें ऐसा कराना पड़ता है ना, कैसे कराना पड़ता है, आई थिंक सो, वेट, एक्सपोर्ट्स डॉट, है ना, हाँ देखो ये सिंटैक्स होता है शायद से, तो वो ऐसे कराना पड़ता है, ठीक है। तो हम यही यूज़ कर लेते हैं, हमारा यही यूज़ होता है, ठीक है, ये हमने कर लिया। तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें करना है करो, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम लिख क्यों रहे हो, ठीक है, क्या रीज़न है उसके लिखने का, ये मेक श्योर करना कि पता है मुझे, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, तो गलती कुछ नहीं है, बस सारी चीज़ें मुझे पता है, तो बस ठीक है, फिर तुम सही हो अपनी जगह, ठीक है। कुछ भी लिखो, काम बनाओ यार, ये भी नहीं कि कुछ भी लिख दिया और कोड बहुत लेंथी कर दिया, तुम उसको शॉर्ट करके ला सकते हो, शॉर्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी और तरीके से कर रहे हो, कर लो, मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, बेहतरीन एक फंक्शन बनाया तुमने वेरीफाई यूजर का, इसके अंदर कुछ भी हो रहा है पता नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे एक CLG करा देता हूँ, वेरीफाई यूजर मिडलवेयर, ठीक है, मैंने ये एक चीज करा दी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइल चलाऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा वेरीफाई यूजर करके, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं दिख रही। लेकिन इसका यूज़ कहाँ आएगा निशांत भाई, यूज़ कहाँ आएगा निशांत भाई, ये बताओ। अब इसका यूज़ देखो मैं बताता हूँ कहाँ आएगा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किसी ने ना जैसे कि एड ब्लॉक की रिक्वेस्ट भेजी किसी ने, जस्ट सपोज एड ब्लॉक करना है, तो तुम कब चाहोगे वो बंदा एड ब्लॉक कब कर सके, या फिर ऐसा समझो तुम हो इंस्टाग्राम यूज़र, नहीं हो अभी तक नहीं हो, ठीक है, तुम यहीं पे गए हो www.instagram.com, किसी की रील आई है, तुमने क्लिक कर दिया, ऐसे देख रहे हो, लेकिन अब चाहते हो तुम अपनी पोस्ट डालो कुछ, तुम भी कुछ डालो, तो तुम डायरेक्ट डाल सकते हो, तुम डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो, पहले तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लॉग इन या साइन इन, साइन अप जो भी है तुम्हारा, अगर है तो साइन इन लॉग इन जो भी है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हें पहले अपने आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मैं वैलिड यूजर हूँ, मेरी आईडी वहाँ पे है, ठीक है, मतलब तुम अपने आप का प्रूफ देना पड़ेगा। यार एक तो मैं इसमें फिसल जाता हूँ, लेट जाता हूँ पूरा, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, चलो वापस आते हैं। हाँ, तो तुम्हें पहले अपने आप को वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं वेरीफाई यूजर हूँ, ठीक है। आफ्टर डैट क्या होगा, तुम्हें ऑप्शन हो जाएंगे, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, सेम चीज़ हमारे साथ है, हम नहीं चाहते कोई भी आके व्लॉग ऐड कर जाए, ऐरा गहरा नत्थु गहरा, ठीक है, हम क्या चाहते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है वही आए। तो मैं कैसे करूंगा भाई, मैं कैसे करूंगा ये बताओ, अभी हमारा कोड कैसे लिखा है, अच्छा कंट्रोलर में आता हूँ, व्लॉग में आता हूँ, कोई व्लॉग क्रिएट करना है, तो ये डिकोड लिखा है, ये सारी चीज़ रखी है, वैलिडिटी, मैंने कहा इन सबको हटाओ भाई, हटा हटा दो, मैं कह रहा हूँ ये हटा दो, ठीक है,
कोई कोई है इसमें, कोई तुमने प्रोटेक्शन लगा रखी है? इसको भी हटा दो, डिकोड सबको हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रोटेक्शन लगा रखी है तुमने? हाँ ये बताओ, कोई पता क्या, कोई चलाक होगा वो क्या करेगा, ऐसा राउट वाली को आ गया ब्लॉग, राउटर देख लिया, अच्छा ब्लॉग्स पे जाना है तो स्लैश ब्लॉग क्रिएट ब्लॉग, वो वहां पे रिक्वेस्ट भेज देगा क्रिएट ब्लॉग की, ये डाल देगा तो ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी तुमने ऑब्वियसली बात वैलिडेशन लगा रखी है, लाइक क्रिएटर आईडी पे वैलिडेशन लगा रखी है, सारी चीजें वो एक ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं इसको यहां तक पहुंचा हूं क्यों? मैं क्रिएट ब्लॉग वाले राउट मतलब कंट्रोलर तक पहुंचा हूं ही क्यों? मुझे नहीं पहुंचाना भाई, ये तो एक सेफ राउट है, ये सारे के सारे तुम्हारे सेफ राउट है। ठीक है, सेफ राउट से सेफ कंट्रोलर बोल सकते हो तुम। ठीक है, मुझे तो यहां तक कोड को अपने लाना ही नहीं है। अगर कोई बेकार है, कोई बेकार मतलब बेकार इन द सेंस कोई घटिया यूजर है या फिर कैसा भी है, तो मुझे तो लाना ही नहीं है, मुझे तो ये सारे सेफ राउट है। मुझे तो ये, अब जब मेरा कोई यूजर है, कोई देख रहा है, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं वो अगर ऑथेंटिकेटेड पर्सन है तो ही शो करूंगा, अदरवाइज मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा ऐसे की। ठीक है, तुम नहीं आ सकते यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ही बताना पड़ेगा, पहले ही स्टेप में वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई तू सही है या गलत है। नहीं आई समझ में, एक और बार समझते हैं। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर है जो कि क्या करता है, व्लॉग को क्रिएट करता है। ठीक है, व्लॉग को क्रिएट करता है, सही है। अब किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, अब तुम्हें चेक करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वो वैलिड है या नहीं, अभी क्वेश्चन मार्क है, वैलिड है कि नहीं है। तो तुम क्या चाहोगे कि मैं यहीं जाके चेक करूँ वैलिड है कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं ये मेरे क्या है, सेफ है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं दिखाना चाहता हूँ जो कि ध्यान सुनना, जो कि ऑथेंटिकेटेड है, जो कि वेरीफाइड है। मैं ऐसे भी किसी को नहीं दिखाना चाहता कि मैं किसी को भी दिखा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके भी पूरी हट गई भाई, कोई बात नहीं, इसके बीच में एक और सिक्योरिटी लेयर लगा दूंगा, एक और लेयर लगा दूंगा कि अगर तुमने इस लेयर को पास कर लिया तो भाई तुम तभी कर सकते हो वो काम, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते हो। और इस लेयर को ही हम मिडिल वेयर बोलते हैं। ठीक है, मिडिल वेयर, ठीक है। और ये क्या होता है, तुम्हारा एक ओथ मिडिल वेयर होता है, ओथ मिडिल वेयर होता है, समझो दोस्तों। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कराऊंगा, अगर यूजर वैलिड है तो भाई आगे चला जा, मैं प्रोसीड करा दूंगा, और नहीं है तो मैं यहीं से अर्ली रिटर्न भेज दूंगा। भाई क्या बात है, कौन है तू? ठीक है, मैं यहीं से भेज दूंगा, भाई जा भाई, ठीक है, पहले भाई तू साइन, या जो भी मैसेज होगा, जो भी मैं, जैसे कि वो क्या है, ठीक है, वो टोकन गलत भेज रहा है, क्या भेज रहा है उसको, अगर टोकन गलत भेज रहा है तो उससे बोलूंगा भाई दोबारा साइन इन कर या साइन अप कर, जैसे भी अभी दिखाऊंगा, सारी चीज हम करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी को एक मैसेज को साथ भेज दूंगा, जिससे कि क्या होगा, वो पता चल जाएगा कि वो क्या है, क्या है, कैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा तुमने काफी बार क्या देखा होगा कि तुम जाते हो कहीं वेबसाइट पर जाते हो, वो एरर दिखाता रहता है, एरर एरर एरर, लेकिन वहां पर ना मैसेज स्पेसिफाई नहीं होता कि यार एरर आ क्यों रहा है। फिर तुम अपनी तरफ से तुक्के लगाते हो, तुम लॉग आउट कर लेते हो, लॉग इन कर लेते हो, कहीं बार साइन इन साइन अप कर लेते हो, ठीक है, दोबारा लॉग इन लॉग आउट कर लेते हो, ठीक है, वेबसाइट कट करके दोबारा चला देते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम अपने एंड से करते हो वहां पे, लेकिन वहाँ एरर 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 क्या है वो तो बता देना चाचा, क्या है एरर? ठीक है, तो वहाँ पे एरर एरर दिखाते रहता है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम एक अच्छे मैसेज के साथ रिटर्न कराएं, अगर एरर है तो भी अच्छा मैसेज, बेकार है तो भी अच्छा मैसेज, कि सामने वाले यूजर को, एंड यूजर को पता चल जाए भाई तू क्या करना चाह रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि मैं तेरी रिक्वेस्ट क्यों प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ, तू इनवैलिड यूजर है भाई, साइन इन कर ले फिर एक काम करे। ठीक है, अच्छा तेरे साथ ये दिक्कत है, तो जैसे कि डिटेल नहीं भेजी, ठीक है, जैसे कि देखो अभी इसमें भी होता है, लेकिन मैं तुम्हें यही बताता हूँ, क्रिएट ब्लॉग करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, प्लीज फिल टाइटल फील्ड्स, टाइटल फील्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन फील्ड, ऐसा करा रहा हूँ। अब मैंने ये एक फालतू लिखा है, वैसे तो देखा जाए तो फालतू लिखा है, लेकिन यार मैंने ना यूजर की कन्वीनियंट के लिए डाला है, मैं यहाँ पे बस ये भी लिख सकता था, इसी में लिख सकता था, एंड 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 नहीं, एक्चुअली और, ठीक है, और अगर तुम्हारी डिस्क्रिप्शन फील्ड खाली होगी तो तुम ऐसा कर दो, सही है। तो यहाँ पे लिख सकता था मैं, जो कि हमने पहले लिखा भी था, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पता नहीं चल रहा कि यार कौन सी फील्ड करनी है, तो तुमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया भाई, प्लीज ये वाली फील्ड करो और ये वाली करो अगर इसमें नहीं है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो, तुमने हर एक मतलब ये छोटी सी छोटी चीज को बता रखा है कि यार हाँ कोई भी आएगा यूजर, कोई भी गलती करेगा तो उसको उसकी गलती पता लग जाएगी तुम्हारे एंड से। ठीक है, वो अपनी तरफ से कोई तुक्के नहीं लगाएगा कि यार मेरी तरफ से क्या गलती हो रही थी, क्यों मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा था, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें थोड़ा सा मैसेज का ज्ञान दिया और मिडिल वेयर का ज्ञान दिया कि मिडिल वेयर क्या होता है, ये ओथ मिडिल वेयर, बेसिकली एक लेयर होती है जो कि लेयर तुम डिफाइन कर सकते हो किस टाइप की लेयर होनी चाहिए। ठीक है, ये ओथ मिडिल वेयर है। अब जैसे ये है,
ये एक लेयर नहीं हो सकती, यहाँ पे मल्टीपल भी लेयर हो सकते हैं। लाइक तुम्हारा ये ब्लॉक कंट्रोलर है, ठीक है, ब्लॉक कंट्रोलर, ठीक है, एक लेयर ये लगा दी तुमने, एक लेयर ये लगा दी, ठीक है, लाइक ये तुमने लगा दी एक यूजर के लिए लगा दी, ठीक है, और ये लेयर किसके लिए लगा दी, ये लेयर अलग एडमिन भी होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, वो सारी चीज़ मतलब तुम मल्टीपल लेयर लगा सकते हो, ठीक है, ये है ये है ये है, एडमिन है कि नहीं है, उसका रोल एडमिन है कि नहीं है, ठीक है, इस लेयर में तुम चेक करा लोगे क्या वो एडमिन है, इस लेयर में तुम यूज़र चेक करा लोगे क्या यूज़र है, ये तो हम टोकन के थ्रू ही कर देंगे कि हाँ टोकन वैलिड है कि नहीं है, सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगा, अभी तो मैं थ्योरेटिकल कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तुम्हें प्रैक्टिकल लेके चलूंगा और ज़्यादा दूर नहीं हम आ गए। ये चीज़ हम करेंगे कैसे, ये अच्छा तुम देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल सेम चीज़ तुम्हें कोड में करनी है, यू नो कोड में करनी है। ब्लॉक कंट्रोलर कहाँ लिखा है, मतलब जैसे कि ब्लॉक क्रिएट वाला, इसका कंट्रोलर कहाँ लिखा है, कंट्रोलर तो यार ये लिखा है भाई, ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पे आओगे कैसे आप, मैं राउट्स के थ्रू आऊँगा, बेसिक सी चीज़ें यहाँ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों तुम्हें ना यहाँ आने से पहले ही इसको कुछ कराना है, मतलब इस वाले राउट पे हिट हुए हो तुम, लेकिन लेकिन मेरे दोस्तों तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके बीच में ही एक यहाँ पे डाल देनी है वेरीफाई यूजर की चीज, ये आ गया वेरीफाई यूजर। अब मेरी बात सुनो, ये समझ में आया कि नहीं आया, अब मैं इसको सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, कहाँ जा रहा है बेचे बेचे बेचे, कहाँ जा रहा है बेचे, खुल जाना भाई, क्लियर हो जा भाई तू फटफट, क्लियर हमने कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन, अब कर दो सीडी बैकएंड, बिकॉज हमें बैकएंड में जाना है, एनपीएम रन जब, क्या बात है, कैपिटल में लिखेगा भाई आज, एनपीएम रन जब, चल जाना ब्रो 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 ब्रो, चल जाना, चल गया, बहुत ही बेहतरीन। अब मैं खोलता हूँ पोस्टमैन, ठीक है, एक चिट्ठी भेजते हैं आपको, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यार कमेंट लिखो, मतलब मुझे थोड़ा सा ना देखो लाइव इंटरेक्शन तो नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे लाइव डाउट्स ले चुकूँ, ठीक है, मेरा मन है बहुत ज़्यादा लाइव डाउट्स, यार ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि मज़ा आता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, यार एकदम लाइव रेस्पॉन्स पता चलता है। इसमें क्या है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा मैं ये भी करता हूँ कि जैसे कट्स में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, जैसे कि मैं अगर एक बार यहाँ पे क्लिक हुआ रिकॉर्डिंग पे तो फिर रिकॉर्ड होती रहती है, कोई कट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो मैं बहुत नेचुरल नेचुरल ही है जितनी भी वीडियोज हैं, ठीक है, कट अभी तक नहीं है किसी वीडियो में, ठीक है, वो एक दो जगह है और वो भी ऐसी मतलब वो ऑडियो में है, ठीक है, मैंने कुछ बोल दिया वो वैसा म्यूट है और कुछ नहीं है, ठीक है, अब पता नहीं कौन सी वीडियो में कहाँ नहीं है, ठीक है, तो वो है बस इतना ही है कि हल्का सा मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें पता चला नहीं पता चला, ठीक है, यही होता है ये होता, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि तुम अपना ना कमेंट लिखो कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर निशान भाई आप ये थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, ये ऐसे ना ऐसे करके हो सकता है, अच्छा तुम्हें मेरी बात में कोई बात ऐड करनी है, ठीक है, मोस्ट वेलकम है, मैं भी यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ और सीखने के लिए बैठा हूँ, तुम मुझे सिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नॉलेज मैंने पैदा नहीं करी है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, ठीक है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, मैं कहीं से कुछ छूट गया हूँ पढ़ने से, ठीक है, मैं भी तो पढ़ के पढ़ाता हूँ भाई, कोई भी हो, ठीक है, सब पढ़ते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ यार मुझे पता है चीज़ें मैंने सीख ली हैं और मैं जो लगता है कि मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ और मैं अच्छे से और अच्छे से समझा सकता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल चीज़ है, लेकिन मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। दूसरी चीज़ आप अपना बताओ कि क्या तुम्हारा फीडबैक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं इस पे, व्लॉग क्रिएट कराओ जल्दी फटफट, एड व्लॉग करा रहा हूँ, ये सेंड करी रिक्वेस्ट, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे क्या है वेरीफाई यूजर मिडलवेयर, ठीक है। अब एक चीज़ तुम यहाँ देखो, एक चीज़ यहाँ देखो, क्रिएट ब्लॉग में जाता हूँ तो तुम नोटिस करना, सीएलजी कराता हूँ अभी, क्रिएट ब्लॉग कंट्रोलर, ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट धन देनी से यहाँ करा, यहाँ करा, वेरीफाई यूज़र ही आया, तुम नोटिस कर सकते हो, ये क्रिएट ब्लॉग तो आया ही नहीं, क्रिएट ब्लॉग तो आया ही नहीं, क्रिएट ब्लॉग तो आया ही नहीं भाई, बताओ मुझे। अब देखो जो लोग समझदार होंगे, जो उन्होंने पहले से वीडियो फॉलो कर रखी होगी, जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उनको पता है यहाँ पे क्यों नहीं आया क्रिएट ब्लॉग कंट्रोलर, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनको हम बताते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं, ठीक है, आ जाओ। तो यार जब तुम किसी मिडिल वेयर को बनाते हो, ठीक है, तो यही समझा देते ना, तो ये समझा देते, तो पहले क्या रिक्वेस्ट आई, राउट देखो तो अच्छे समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, ये जैसे व्लॉग्स है, तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले वेरीफाई यूजर हो, सही है मेरे मित्र, फिर उसके बाद हो क्रिएट ब्लॉग, ठीक है, तो ये मेरा राउट है, ये मेरा ये वाला कंट्रोलर है, ये मेरा ये वाला कंट्रोलर, ठीक है, तो मैं इस कंट्रोलर पे तो आ गया,
तो मैं इस कंट्रोलर पे कैसे जाऊंगा, इस राउट पे, इस मतलब मिडिल वेयर पे तो आ गया, ठीक है फंक्शन बोलो इस फंक्शन पे, तो कंट्रोलर भी क्या एक फंक्शन ही है ना भाई, ठीक है मैं इस पे आ गया सही है, तो मैं इस पे कैसे जाऊंगा। तो मिडिल वेयर ना तुम्हें, जैसे ये मिडिल वेयर है उसके आगे एक फंक्शन है, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, रैक रेस एंड भैया नेक्स्ट भूल गए क्या। और ये जो नेक्स्ट है ये किसके काम आता है, ये नेक्स्ट काम आता है इसको कॉल करने के, इसको कॉल करने के, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दो ठीक है। अब मैं तुम्हें कोड में बताता हूँ फिर थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ रुको ठीक है। तो मैं जाता हूँ ओथ मिडिल वेयर में ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा खिसक रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लाता हूँ ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे रैक लिखा, रेस लिखा एंड द नेक्स्ट लिखा ठीक है, ये सिक्वेंस होता है सही है। अब ध्यान से देखना, मैं ना नेक्स्ट को भी कॉल, मैं पहले ऐसे ही कर देता हूँ इसको, अब मैं ना नेक्स्ट को भी कॉल कर देता हूँ भाई मेरे, टक मारी और फेंक के मार दी भाई, नेक्स्ट को कॉल कर दिया। अब आओ देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता है, भाई आ जाना बेइज्जती हो जाएगी वरना मेरी। कौन है भाई तू, कौन है भाई तू, मैं तो नहीं जानता तन्ने, क्या बात है। वेरीफाई यूजर मिडिल वेयर ठीक है, ये तो आ गया क्रिएट ब्लॉक कंट्रोलर। तो नेक्स्ट का काम ये हुआ मेरे दोस्त, नेक्स्ट का काम ये हुआ। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है मैं बताता हूँ, ये पूरी लाइन देखना, ये पूरी लाइन क्या है, ये तो मेरी ये है चीज और ये है चीज ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना रैक रैस ही लिखा है, नेक्स्ट क्यों नहीं लिखा, नेक्स्ट क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन कोई बताएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में कोई है ही नहीं। अगर इसके नेक्स्ट में ये चीज है तो, और मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा मैं यहाँ पे नेक्स्ट लूँ, ये वाली बकेती मारूँ और यहाँ पे नेक्स्ट लेके जब ये सारी चीजें हो रही हो ठीक है, रिटर्न से पहले एक बार ऐसा नेक्स्ट कॉल करा दूँ, समथिंग ऐसा ठीक है, नेक्स्ट कॉल करा दूँ, तो जिससे कि ये नेक्स्ट वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। लेकिन हमें नेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट की कब जरूरत होती है, जब हमारे आगे कोई हो ठीक है। नेक्स्ट समझ, बेसिक से इंग्लिश ही है यार, इंग्लिश है और कुछ नहीं है। तो मेरे पास तो ये है ही नहीं, तो मुझे नेक्स्ट को करने की नीड ही नहीं है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट को करने की नीड है ठीक है। अब एक चीज और, तुम नेक्स्ट कभी भी करा दोगी क्या, नहीं, यही तो तुम्हें समझाना था दोस्तों। नेक्स्ट तुम कब कराओगे, बस इसको तुम्हें अपने सेफ इफ एल्स कंडीशन के अंदर डाल देना है कि भाई साहब अगर तुम वैलिड हो तो मैं नेक्स्ट करा दूंगा, नहीं हो तो नहीं कराऊंगा, सिंपल सी चीज है ठीक है। तो तुम्हारा राउट प्रोटेक्ट हो गया, प्लस इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, लेकिन वेरीफाई यूजर को कराओगे कैसे, वेरीफाइड कैसे कराओगे यूजर को ठीक है, यूजर को वेरीफाइड कैसे कराओगे वो देखना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है, ओके फाइन, मैं डेटाबेस खोलता हूँ ठीक है, MongoDB यूजर देखता हूँ उसमें कौन कौन यूजर पड़े हैं भाई। ओपन हो जाओ भैया, भैया जी ओपन हो जाओ, कोई से भी खुल जाओ, ब्लॉक ऐप डेटाबेस, नहीं ये तो नहीं है भाई, ये वाला है ना, ये हाँ यही है ठीक है, यही है, ये यही है, यही है। मैं इसको डेटाबेस को उड़ा रहा हूँ अभी फट से, पूरे को उड़ा देते हैं फट फट। ठीक है ड्रॉप मारा, कट कर देते हैं ठीक है। अब क्या करते हैं, अब पहले ना देखो ध्यान से सुनना, वो तो दिक्कत नहीं आ रही थी तुम्हें, देखो दिक्कत इसमें तो नहीं आ रही थी, इसमें तो नहीं आ रही थी, JWT टोकन कैसे जनरेट हो रहा है सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा, अच्छा मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट करोगे, फ्रंट एंड इंक्लूड करें, फ्रंट एंड इंक्लूड करें, यहाँ से तो मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट, दो मिनट में यूजर बना दूंगा, फ्रंट एंड इंक्लूड करें, फ्रंट एंड इंक्लूड करते हैं दोस्तों ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज, फ्रंट एंड भी इंक्लूड करते हैं ठीक है। CD फ्रंट एंड NPM रन डेव, फटफट हो जा बेटा, खोल दो भाई को, कहाँ खुल गया भाई, यार यहाँ नहीं खोलना था मुझे, मुझे ये यहाँ नहीं खोलना था, वेट हाँ मुझे ना किसी और टैब में खोलना है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ अब खोलते हैं, और ये मैं थोड़ा सामने प्रकट करता हूँ ठीक है, ठीक है बेहतरीन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार मैं अपना चेहरा देख लेता हूँ, क्योंकि मैं देखता रहूँगा तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा मुझे, सही है ठीक है। ठीक है भाई साहब देखो, फ्रंट एंड चालू है हमारा बेहतरीन करके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये साइन अप फॉर्म है, ये सारी चीज़ें हैं सही है। अब मैं देखो थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से मैं साइन इन कर सकता हूँ, साइन अप करता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने। अब अपना साइन अप वाला एक बार राउट देखो ठीक है, कहाँ है, कंट्रोलर में जाओ, कंट्रोलर यूजर कंट्रोल में जाओ, यूजर को तुम्हें क्रिएट कराना है, तो नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, मेल चाहिए, सारी चीज़ें, नेम ये तुम वैलिडेशन लगा लो, सारी चीज़ हो गई, चेक कर लो अगर वो एग्जिस्टिंग यूजर है कि नहीं है, ये सारी चीज़, वो सारी चीज़ें यहाँ शो हो जाएंगी तुम्हें ठीक है। अब इसका कोड दिखाता हूँ मैं, इसका कोड कहाँ लिखा है, इसका कोड यहाँ हो गया, यहाँ पे देखोगे तो यही इसका कोड है, ये सारा का सारा इसका ही कोड है ठीक है।
और ये देखो, ये व्लॉग्स का भी कोड लिख रखा है मैंने, व्लॉग्स का भी कोड लिख रखा है, ठीक है, व्लॉग्स का भी कोड लिख रखा है। अच्छा एक चीज नोटिस करना, इसके अंदर रेस डॉट व्लॉग्स के अंदर क्या आ रहा होगा, रेस डॉट व्लॉग्स के अंदर क्या आ रहा होगा, ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि मैंने एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो। अच्छा एरे ऑफ जीरो तब प्रॉपर मैसेज आ क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अगर तुम नेटवर्क टैब में जाओगे ना तो रिक्वेस्ट दबा के जा रही है, रिक्वेस्ट दबा के जा रही है। दिखाऊं तुमको मैं, इसको पहले कट कर देता हूँ, जा रही है व्लॉग्स की रिक्वेस्ट, दिख रही है फैच, इसमें तुम यूआरएल देखो, कहाँ है भाई, दिख जाना, जर्नल यूआरएल देखो, दिस एपीआई व्लॉग्स, क्या देख रहे हो भाई, सॉरी गेट किया स्टेटस 200 है, प्रीव्यू में देखो व्लॉग फैच सक्सेसफुली, लेकिन व्लॉग है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज भी तुम कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे तुम मैसेज कर सकते हो कुछ यहाँ पे, ठीक है, और तो जैसे यहाँ पे आया व्लॉग फैच सक्सेसफुली, ठीक है, तो तुम वहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो कि अगर लेंथ जीरो एरे की तो तुम कोई और सा रेस्पॉन्स सेंड कर दो और वहाँ पे मैसेज लिख दो नो व्लॉग फाउंड करके, ऐसा करके, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो आप। सही है, व्लॉग का ये आ गया, ठीक है, ये देखो सारी चीजें कमाल की चल रही है भाई। अब देखो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा वो भी चलेगी, क्योंकि हमने सेटअप बिठा रखा है। अच्छा मेरा थोड़ा सा अगर और सपोर्ट करोगे तो मैं इसमें राउट वगैरह भी बनवा दूँ, तुम्हें राउट वगैरह भी बनवा दूँ कि ये साइन अप के लिए राउट हो गया, ये लॉगिन के लिए राउट हो गया, तो मज़ा सा आ जाएगा थोड़ा सा। बताओ चाहिए तुम्हें ऐसा कुछ क्रेजी सा करना है तो बताओ, मैं तो देखो फुल मैं तो करा दूंगा, तुम बताओ, तुम रेडियो के नहीं हो, ठीक है, कर लेंगे इसको हम मस्त करके, कर लेंगे, बताओ। यहाँ पे यार तुम लाइव होते तो कितना मज़ा आता ना, जैसे मैं व्लॉग्स डालूंगा तो यहाँ पे भी तो है ही नहीं व्लॉग्स वाला, तो व्लॉग्स दिख जाए, साइन अप दिख जाए, लॉगिन दिख जाए, क्रिएट व्लॉग वाला पेज दिख जाए, तो उन राउट को तुम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, यार मन कर रहा है मेरा। अबे तुम भाई तुम देखो आगे बढ़ा के देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम भी देखोगे भाई, तुम नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं बैठो, तुम भी देखो मेरे साथ, चलो सीडी करो सबसे फटाफट और फ्रंट एंड में जाओ और यहाँ पे npm आई मारो रिएक्ट राउटर, आओ बेटा पढ़ते हैं हम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, सही जगह कर रहा हूँ ना, सही जगह कर रहा हूँ, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है, याद है ना चीजें, भूले तो नहीं हो भाई, भूल गए हो तो यार देखो लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी मेरी, ठीक है, भूलना नहीं है चीजें, कभी पीछे का भूलते जाओ और आगे का पढ़ते जाओ, यार ऐसे नहीं करते भाई, जल्दी से फटफट मैं बना लेता हूँ फोल्डर, कंपोनेंट, ठीक है, और एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस करके, ठीक है, ये हमारे पेजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि साइन अप पेज आ गया, साइन इन पेज आ गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन अप पेज डॉट tsx, साइन अप पेज डॉट tsx, वेट tsx नहीं, gsx कर रहे हैं, gsx, ठीक है, rfc करो, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये जस्ट मैं कंपोनेंट को करा रहा हूँ साइन अप, ठीक है दोस्तों, देखो इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, मैंने जस्ट फोल्डर क्रिएट किया है, ये रिएक्ट है, ये रिएक्ट है दोस्तों, ठीक है, ये कुछ नहीं है, रिएक्ट है, इससे कठिन प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें करा रखा है, ठीक है, तो तुम घबराना नहीं, तुम घबरा जाओगे तो मेरा दिल धड़क जाओगे, मैं बोलूंगा भाई मैं क्या करा रहा हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज ब्राउजर राउटर, पता ही है तुम्हें, यार सजेशन शो कर दे भाई, देख ऐसे लड़ाई हो जाएगी मेरी, चलो ऐसे इम्पोर्ट करा लेते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम सजेशन तो यहाँ दे ही देगा, दैट्स व्हाई मैंने इसको खाली छोड़ दिया, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम ब्राउजर राउटर, आ गया ना, आ गया सजेशन, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको कंपोनेंट में रैप कर देते, ये सर मैं वो लगवा रहा हूँ दोस्तों, अगर तुम्हें ये डाउट आ रहा है ना ये क्या करते हैं निजान भाई ने, यार तुम यार मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम ऐसे बोलोगे, यार ऐसे मत बोलो यार, मेरे तो थोड़ा सा कर लो यार प्लीज़ यार, ठीक है, समझ में आ रही है बात, आ रही होगी तुम, समझदार हो मेरे दोस्त हो, ठीक है, ये इतनी बकेती जो हमने डगा रखी है यहाँ पे, इस बकेती को, ये साइन अप फॉर्म है ना, इसको मैं पूरी को कट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है, कट करके मैंने इसको पे लिया साइन अप फॉर्म के अंदर यहाँ, ठीक है, ये आ गई है, इसको करते हैं RFC। अब यहाँ पे जब थोड़ी दिक्कत आएंगी, वो दिक्कत आएंगी, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो मैं अगेन ये डेटा भी को अभी थोड़ा सा उसको सही करूँगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं खाली करना चाह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, जस्ट यही है कि मैं इसको खाली करना चाह रहा हूँ, जिससे कि वहाँ का एरर यहाँ ना और यहाँ का एरर वहाँ ना जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे यूज़ स्टेट चाहिए होगा तो यूज़ स्टेट को बुला लो, यूज़ इफेक्ट चाहिए होगा तो यूज़ इफेक्ट को बुला लो, और कोई तो एरर नहीं होगा, या होगा तो देख लेंगे, ये वाला कॉन्फिडेंस रखना है अपन को, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हमारे पास आता है राउट्स, ठीक है, यू नो राउट्स, अब इसके अंदर आते हैं राउट, राउट
ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आएगा मजा, सही है, अब आएगा मजा। ठीक है, अब कैसे मजा आएगा? एक तो मैं राउट रखता हूँ, यहाँ पे टू होता है ना कुछ करके, टू नहीं होता, पास होता है। ठीक है, जैसे कि मैं भी जैसे हो गया, मैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है क्या, तो टू होगा या पास होगा, तो ये कर लिया। अब साइन अप रख लो, ठीक है, और ऐसे भी रख सकते हो, अगर इसका कर लो, अगर पाथ तुम्हारा होम है, ठीक है, एक चीज बताता हूँ, देखो पाथ तुम्हारा होम है तो तुम क्या शो करना चाहते हो, सही है। एक तो ये हो गया, एक हो गया साइन इन वाला राउट, सही है, एक हो गया ब्लॉक्स वाला राउट। अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना सिखाऊंगा राउट को, टेंशन मत लो। एक हो गया क्रिएट ब्लॉक वाला राउट, सही है। तो ये कुछ राउट्स आ गए हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मस्त करके क्रिएट ब्लॉग और सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट बना देता हूँ, लाइक क्रिएट ब्लॉग डॉट JSX, ये क्या कर दिया मैंने, फाइल बनानी है ना भाई, एक RFC, मेक श्योर करना है, यहाँ पे नाम बढ़ाओ, ठीक है। यार देखो इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना आपको, यार इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये क्रिएट ब्लॉग वाला राउट आ गया, ठीक है, और कौन सा था, ब्लॉक्स वाला राउट था, फोल्डर क्यों बना रहा हूँ, ब्लॉक्स डॉट JSX RFCE, ठीक है, ये दो राउट हो गए। और कौन सा था, साइन अप साइन इन वाला था, पेजेस में ले लेते हैं, ठीक है, उसको साइन इन डॉट JSX RFCE, ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट। मैंने फट फट धड़ धड़ करके ये चीजें बना ली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर एक तो ये होता है, और एक चीज और होती है जो कि एलिमेंट, कि तुम्हें यहाँ पे इस राउट पे क्या चीज रेंडर करानी है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे होम पाथ है तो क्या रेंडर कराओगे, ये मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। होम पाथ होगा तुम्हारा और ये सारी चीजें होंगी तो क्या रेंडर कराओगे, ठीक है, क्योंकि तुमने व्लॉग्स वाला एक चीज भी बना लिया और ये बना लिया। जैसे होम पाथ होता है, ठीक है, होम पे क्या होता है, तुम अपने ना प्रमोशन प्रमोशन लाइक अपनी ब्रांडिंग करते हो समथिंग ऐसा, ये हमारी व्लॉग वेबसाइट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, या तुम वहाँ पे व्लॉग्स भी दिखा सकते हो वैसे। हाँ, हम ये व्लॉग्स की नीड नहीं है, ठीक है, क्रिएट व्लॉग वाले पे लगा लेंगे। हाँ, मैं क्रिएट व्लॉग वाले पे दिखा दूंगा तुमको, ठीक है, इस पे होम व्लॉग को हटा दे, ये होम जो आ रहा है ना यही है, ठीक है, यही है, तो यहाँ पे मैं व्लॉग्स को करा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स व्लॉग आ गया, ठीक है, और क्या क्या एलिमेंट्स बताओ, 2 मिनट का काम था, सेट टाइम लगा के सेटअप करने में, देखो उसको टाइम लगाओ जिसको ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, लेकिन तुमने अगर मुझसे पढ़ रखा है तो तुम्हें होप्स ये चीजें आती होंगी, ठीक है, ये भूले नहीं होंगे तुम, क्योंकि मैं भी नहीं भूला तो तुम भी नहीं भूले होंगे, ठीक है। मैं वो वाला तो देखो, मैं वो तो नहीं हूँ मैं कि कॉलेज वाला या स्कूल वाला, कि मैं हर साल पढ़ाता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, तो होप्स यार आप भी नहीं भूलोगे और मैं भी नहीं भूला, ठीक है, तो यार ऐसे मत करो। यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग चाहिए, क्रिएट ब्लॉग्स, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इन राउट्स पे जाता हूँ मस्त मस्त करके, पहले होम पे आ गया, मैं क्या मिला मुझे होम पे, ब्लॉग्स, ठीक है। अब मैं किस पे आता हूँ, अब जाता हूँ मैं ब्लॉग्स, ब्लॉग्स वाला राउट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ये राउट एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसे बनाते हैं इस राउट को, इस राउट को कैसे बनाते हैं, पाथ को देते हैं यहाँ पे तारा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने क्या लिख दिया, वेट, H1, क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रहा है भाई, ठीक है, भाई तू नॉन एग्जिस्टिंग चीज को एग्जिस्ट मतलब एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है भाई तू, यही कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मतलब ये वैसे ये तो नहीं करोगे, मस्ती मजाक हो रही कर रहा हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पे बोल दोगे नोट फाउंड, ठीक है, अगर तुम प्रॉपर वाले हो बंदे, जो मैं इतना मजाकिया नहीं हूँ थोड़े से, तो तुम लिख दोगे नोट फाउंड, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नोट फाउंड, यहाँ तुम आगे नोट फाउंड, क्योंकि तो कहीं भी जाओगे इट इट्स नोट फाउंड, लेकिन किसी वैलिड राउट पाओगे, लाइक मैं साइन अप पे जाता हूँ तो मुझे शो करेगा ये, कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे मैंने चीजें रेंडर नहीं करा रहा, कि कोई एरर आ रहा है, आई थिंक सो एरर आ रहा है, या एरर आ रहा है कि एफ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, मुझे पता था एरर आएगा, लेकिन अगर मैं साइन इन पे जाता हूँ तो मुझे 100% यहाँ पे साइन इन दिखाएगा, ठीक है, मैं होम पे जाता हूँ तो मुझे 100% ब्लॉग्स दिखाएगा, सही चल रहा है। अब शॉर्ट करते हैं इनको मामले को, ठीक है, ठीक है, आओ कैसे करेंगे शॉर्ट, लो मैं बताता हूँ, मैं साइन अप को कर लेते हैं पहले शॉर्ट, कि यहाँ पे एफ कहाँ है, एफ कहाँ है, वर्ड वेयर इज द एफ, लाइन नंबर बताओ भाई,
साइन अप साइन अप। कंसोल लाइन नंबर है 343 343 343 F। ओके नाउ एवरीथिंग फाइन, ठीक है, डेटा भी आ रहा है, मतलब सही चल रहा है, ठीक है, साइनअप तो सही चल रहा है, साइनअप तो सही चल रहा है, सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा तुम्हें मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। मज़ा कैसे आने वाला है, देखो मुझे तुम्हें तो वैसे बैकएंड कराना था, मतलब इसमें, बट ये फ्रंट एंड का बन जाएगा धीरे धीरे। इस डेटा को मैं कट करता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि ब्लॉक्स वाला डेटा, ठीक है, ब्लॉक्स वाला डेटा होप सो हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक्स वाला डेटा में ब्लॉक्स में चाहिए। तो मैं अभी तो घटिया सा चीज़ दिख रहा हूँ, बस तुम समझ जाना कि हाँ ये चीज़ें तो होंगी तो हैं, ठीक है। तो मैं चीज़ें बुला लेता हूँ, हैंडल सबमिट ये तो नहीं है, फैच ब्लॉग ब्लॉग डेटा, ये इतना पार्ट है ब्लॉग का, ठीक है, इसको यहाँ डालते हैं, यूज स्टेट को बुलाते हैं, फटफट आ जाए बेटा, ठीक है ठीक है। अगर मैं अब यहाँ के यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो मुझे खाली एरे नहीं दिखेंगे, या एरर आएगा, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है नहीं दिख रहे हैं। बट मैं होम पेज पर जाऊँगा तो 101% वो तुम्हें खाली एरे दिखेंगे। यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, मुझे पता ही था, अरे बेटे 101% खाली आ रहे दिख रहे हैं, खाली आ रहे दिख रहे हैं, खाली आ रहे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कैसे हमारा वर्क, यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ जाओगे तो यहाँ ये पक्की बातें दिखेंगी दिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन। साइन अप पे चले जाते हैं विदाउट, सही है। अगर वहाँ पे कोई ब्लॉक का डेटा होता तो वहाँ पे रेंडर हो जाता, ठीक है, सही है, बहुत सही जा रहे हैं हम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लिटरली अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना तो मतलब तुम सही चल रहे हो मेरे साथ। साइन अप पे जाते हैं, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, देखो कल भी मैंने आई थिंक सो ये करार इंप्लीमेंट तो करा दिया मैंने तुम्हें, अब इसको फ्रंट एंड को थोड़ी देर के लिए बंद कर जाओ, तुम व्लॉग नहीं यूजर कंट्रोलर खोलो। तुम जब किसी यूजर को क्रिएट करा रहे हो तो इफ यू नोटिस कि एक मैं टोकन भी रिटर्न करा रहा हूँ, मैं एक टोकन भी रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें दोस्तों, दिख रहा है ना कि मैं एक टोकन भी रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है, सही है सही है सही है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। देखो सक्सेस ट्रू आई, मैसेज ये आया, फिर तुमने ये यूज़र का बनाया था ईमेल, उसके ब्लॉग्स, उसके टोकन, ये सारी चीज़ें तुम रिटर्न करा रहे हो, ठीक है, उसकी चीज़ें रिटर्न करा रहे हो कि भाई तू देख सकता है कि ये सारी चीज़ें हैं, बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, ठीक है, नेम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान से देखो अब तुम ऐसा भी कर सकते हो, इस टोकन को ना इसके अंदर भी डाल सकते हो और बाहर भी रख सकते हो। अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ तो भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइक यहाँ पे ऐसा डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिखने का तरीका मैंने इसके अंदर लिख दिया, यूज़र के अंदर ही लिख दिया, सही है। अब मैं यहाँ से ना रिक्वेस्ट मारता हूँ, पहले ना मैं यहीं जाता हूँ, कहाँ पे ये साइन अप वाला पेज है, ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें मैंने बना रखा है, ये बना रखा है, और मैं कंसोल भी कराता हूँ डेटा तुम्हारे सामने, ठीक है, अलर्ट मैसेज, अच्छा वेट किसके मामले, ठीक है, हाँ हमने यहाँ पे वो टोस्ट वगैरह नहीं लगा रखा है तो ये मुझे मैसेज अलर्ट करा देगा, ये सारी चीज़ें, सही है सही है, होप सो समझ में आ रही होंगे। रेस्पॉन्स मैंने ये सारी चीज़ करा दी, और अभी मैंने अभी आपको एक्सियोस नहीं लगवाई ना, वो मैं एक्सियोस सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं, लो पहला यूज़र मैं ही अपने नाम का क्रिएट कर देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ फर्जी कोई भी, निशांत एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है, पासवर्ड दे देता हूँ सबसे हाई फाई पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, यस थोड़ा सस्ता ही रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 रख लेते हैं, ठीक है। सबमिट मारा, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, तुमने बोला ओके, बहुत ही बेहतरीन। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ फोकस करो, एक तुम्हें चीज़ रिटर्न मिली है, ठीक है, एक रिटर्न में आपको एक चीज़ मिली है, उस चीज़ में आपको क्या मिला है, मैसेज मिला है जो कि आपको डिस्प्ले हो गया था, सक्सेस को तुम्हारी ट्रू कर दिया गया, मतलब सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो व्लॉग्स तुम्हारे पास कोई भी तुमने ऑब्वियसली क्रिएट नहीं किया हुआ है, ईमेल ये है भाई साहब की, नेम उनका ये है, और एक टोकन है भाई साहब, टोकन है, ठीक है, टोकन है, सही है। अब ये जो टोकन है ये बहुत काम का है, ठीक है, ये बहुत काम का है। अच्छा अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो वो टोकन कहाँ गया भाई, वो टोकन तो गायब हो गया भाई, वो टोकन तो गायब हो गया, वो तो दिख ही नहीं रहा, कहीं भी जाओगे आपको वो टोकन तो मिलेगा ही नहीं, कहाँ वो टोकन तो गया, वो टोकन तो गयो, ठीक है, तो वो टोकन आएगा कहाँ से, वो टोकन दोस्त आएगा कहाँ से, मुझे अब ये बताओ दो, वो टोकन को आप लाओगे कहाँ से, जस्ट ये बता दो एक मिनट को, हाँ सही है, वो टोकन को आप लाओगे कहाँ से मुझे ये बता दो, थोड़ा सा यार वो टोकन को ना मैं यहाँ से लाऊंगा, ठीक है, नहीं नहीं तुम बताओ कहाँ से लाओगे, अगर तुम लोकल स्टोरेज में जाओगे तो तुम्हें वहाँ भी नहीं दिखेगा, वहाँ भी तुम्हें सारी चीज़ें खाली दिखेंगी, भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ। तो तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, क्योंकि तुम्हें
तुमने वो टोकन मंगाया, तुम्हारे यूजर का ऑब्जेक्ट आया, तुमने अपने पास होल्ड नहीं किया। कैसा हुआ, थोड़ा सा सीन देखो कैसा हुआ। ये फ्रंट एंड है जो कि तुम्हारा ब्राउजर है, और ये बैक एंड है। यहां से रिक्वेस्ट गई विद डेटा नेम, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड। उसने रिटर्न किया, लेकिन उसने रिटर्न तो कर दिया तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट, तुमने उसको होल्ड नहीं किया। तुमने उसको होल्ड नहीं किया मतलब तुमने उसको अपने पास कहीं स्टोर नहीं किया। होल्ड बोलो, स्टोर बोलो, है ना, तुमने उसको स्टोर नहीं किया। अब जब तुमने स्टोर नहीं किया, ये रिफ्रेश हो गया, और रिफ्रेश होने के बाद वो डेटा गायब हो गया। ये तरीका नहीं होता। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लोकल स्टोरेज में जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां पे उसको चीज को सेव कराना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सोर्स खोलूं, एप्लीकेशन खोलूं, लोकल स्टोरेज खोलूं, है भाई कुछ तो है, खाली है, ठीक है, कुकीज भी है भाई, कुकीज कुछ तो है भाई, छोड़ो इसको, इसको इसको ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है, यहाँ पे आओ, खाली है, ये सारी चीजें खाली है। अब जब दोस्त मेरे खाली है ये सारी चीजें, तो मैं क्या करूंगा, अब ध्यान सुनना, ये रेस्पॉन्स आ रहा होगा, रेस्पॉन्स के अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपका आ रहा होगा रेस्पॉन्स डॉट यूजर, तो वो यूजर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे मेरे दोस्त क्या कराना है, यहाँ पे आपको कराना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। तुम यहाँ पे सेट आइटम कैसे कराओगे, यूजर, तुम्हें एक यूजर को स्टोर कराना है। इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, जेसोन डॉट स्ट्रिंग गिफाई करके देते हैं ना, इतना तो हमको पता है। अभी तो कोई ये क्वेश्चन और पूछते हैं स्ट्रिंगिफाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर करा सकते हो, तुम्हें उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कराना पड़ेगा। मतलब लोकल स्टोरेज में जो स्टोर होता है वो स्ट्रिंग स्टोर होती है, क्या स्टोर नहीं होती, ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता। तू कहाँ जा रहा है भाई, तू उधर आ। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, रेस डॉट और यूजर करके आ रहा था यूजर, ये चीज करा लूंगा, ठीक है। अब मैं, अच्छा मैं ना यूजर दोबारा से वही क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक निशांत, ठीक है। और एरर भी भाई बढ़िया करके दिखा रहा है ये, देखो मैं ये बोल दिया डॉट कॉम, अब बोलेगा 100% बोलेगा भाई पासवर्ड तो दे दे, अगर मैंने वहां पे सही वैलिडेशन लगा रखी होंगी। एंटर द पासवर्ड, भाई क्या कर रहे, तू पासवर्ड दे दे। और इसके लिए अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो अनडिफाइन आ गया, यहाँ पे देखो अनडिफाइन आ गया, मतलब रिक्वेस्ट गई। अब देखो ये सारी चीज, अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, नेटवर्क की रिक्वेस्ट गई, यूजर में मुझे क्या मिला, एरर मिला 400, एरर मिला मुझे 400। तो यहाँ पे आप एक चीज और हैंडल कर सकते हो मेरे दोस्त, वो क्या कर सकते हो, रेस्पॉन्स आगे सही है इफ, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वस टू 200, या फिर तुम और भी अपने केस में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, तो ही कराना ये सारी चीज जिस केस में 200 हो, ठीक है, अदरवाइज तुम ये सारी चीज मत कराना, ठीक है। मैसेज तो तुम करा दोगे, लेकिन यहाँ पे तुमने ये बोला, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, अब ध्यान से सुनना, देखो मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ये मैं कंसोल में नहीं करता, ये यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने मेरी रिक्वेस्ट, ये आया, एंटर द पासवर्ड आया, ओके कर दिया। क्या यहाँ पे कुछ चीज सेट हुई है एप्लीकेशन में, कुछ भी चीज सेट नहीं हुई। तो भाई तुमने ना इसको बचा लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल कर लिया। अच्छा एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, इसको भी प्रिंट करा के देख सकते हो तुम स्टेटस को, है ना, सारी चीजें देखा करो यार तुम, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अरे ये तो अनडिफाइन आ रहा है, मैं स्टेटस भेज नहीं रहा हूँ क्या कुछ, तो देखो उस केस में भी अनडिफाइन, मैंने इसलिए तेरे को चेक कर लिया, ठीक है। तो इसको हटाओ, तो यार स्टेटस कोड कैसे मिलेगा हमको, सक्सेस से करा सकते हो, सक्सेस से करा सकते हो, देखो तभी मैंने वो सक्सेस भेज रखा है। लेकिन यार ये स्टेटस कोड भी आ जाता है, इसमें नहीं आता क्या यार, लेट्स सी हाउ टू गेट स्टेटस कोड फ्रॉम रेस्पॉन्स यूजिंग फेच, सिंपल सी चीज डाली हमने, ओके करके भाई, देखो यहाँ पे, हाँ भाई क्योंकि एक्सियोस यूज करते हैं, एक्सियोस में तुम्हारा मजा आ जाता है, यहाँ पे देखो ये ओके करके होता है यहाँ पे डॉट ओके स्टेटस, भाई जो मुझे चाहिए वो तो दिखाओ ना, चाचा रेस्पॉन्स डॉट तो अलग ही बता रहा है भाई, कांट गेट द स्टेटस कोड, ये बेहतरीन है, टिक टिक करके कहीं किसी ने दे रखा भाई टिक, ये रेस्पॉन्स डॉट ओके, एक्चुअली रेस डॉट ओके करके देखो, अनडिफाइन आ रहा है अभी भी, अनडिफाइन तो आ ही रहा है, आई थिंक इसको रिफ्रेश करने की तो नीड नहीं होगी। चलो देखते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा वही ना शक, डेटा अपना, डेटाबेस अपना है, डिलीट कर देंगे, एपीआई अपनी, कितनी भी रिक्वेस्ट मारो, घर का सामान है भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने भी यही बोल रखा है, आई थिंक देन फैच देन स्टेटस,
print the HTTP status code, key point. This property used to retrieve the status code from the response. You can use this to check if the status code is in the range of 200. Okay, यहाँ तो ये वही चीज़ है, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है? ये तो तुम ठीक है, फाइन. अभी तो अनडिफाइन बता रहा है, तो मतलब वो है नहीं, तो इस दैट्स व्हाई अनडिफाइन आ रहा है. ठीक है, सही है, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी. तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओके लिख लेता हूँ, और आई थिंक सो काम बन जाएगा. ठीक है, लेट्स ट्राई. ठीक है, अभी तो मुझे एंटर द पासवर्ड दिखा रहा है. ठीक है, मैं कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाल दूँ तो बोल रहे यूज़र ऑलरेडी आएगा, जो कि मुझे पता था ये एरर आएगा. मैं ईमेल टू कर देता हूँ, पासवर्ड में कोई डेटाबेस को मैं ड्रॉप कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सोर्स करो एप्लीकेशन, इसको यहाँ बगल में बुलाते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन खाली है, ये सारी चीज़ खाली है, नेटवर्क रिक्वेस्ट भी खाली कर देते हैं, सब चीज़ नहीं है एकदम नया. इसको भी पीछे भेजते हैं, नया, सारी चीज़ें नहीं है. रिक्वेस्ट मारी, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, अभी भी अनडिफाइन दिखा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 आ गया. एप्लीकेशन में जाके देखो, यहाँ पे नहीं आई चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ प्रिंटिंग में अनडिफाइन आई है, तो ये इस ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं है. तो देखो यहाँ पे तुम्हें, अब देखो जैसे कि ये है, तुम इस पर डिपेंड रह सकते हो, बट अपन ने क्या करा रखा है, अपन ने एक चीज़ करा रखी है, और वो एक चीज़ क्या है, वो सक्सेस है. ठीक है, सक्सेस रिटर्न करा रखी है अपने पास से, तुम दो मत दो हमें फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस करा रखी है. सक्सेस को ट्रू है तो कर देना, वरना नहीं. ठीक है, दोबारा करते हैं रिक्वेस्ट ऑफ, यहाँ पे 3 करते हैं. अगर इस पे करोगे तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल. ठीक है, अब यहाँ पे बोलो 3, यूजर क्रिएटेड एप्लीकेशन में डेटा सेट हो चुका है. ठीक है, इसको अब देखो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ. रिफ्रेश कर दिया, हाँ भाई ये एप्लीकेशन में जाओ, डेटा तो है ना, डेटा है एप्लीकेशन में. सही है दोस्तों, डेटा है एप्लीकेशन में तुम्हारा, दिख रहा है, ये सारा का सारा डेटा है. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, अभी तुमने स्टोर करा लिया. ठीक है, स्टोर करा लिया, सही है, बहुत बेहतरीन. अब जैसे कि तुम्हें अपने होम राउट को ही, जहाँ पे तुम ब्लॉक्स को शो कराओगे, उसको तुम्हें सेव करना है. सेव कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा. ठीक है, और देन द सेकंड थिंग इज कि तुम्हें साइन इन करना है, तो तुम साइन इन कैसे कर सकते हो, वही सेम तरीका है. आई थिंक साइन इन वाला बनाया नहीं मैंने, लेकिन एक क्रिएट ब्लॉक करके भी राउट है हमारे पास, है ना, क्रिएट ब्लॉक करके भी राउट है. ये जो क्रिएट ब्लॉग राउट होगा, क्या इसको कोई भी एक्सेस कर लेगा क्या, मुझे बताओ, कोई भी एक्सेस कर लेगा क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं करेगा. तो अब देखो, क्रिएट ब्लॉग के अंदर जाओ, तो ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड राउट है, इस पर कोई नहीं आना चाहिए. तो जैसी कोई इसको एक्सेस करने की कोशिश करे, तो तुम्हें एक चीज़ करनी है, यूज इफेक्ट. मैं एकदम तुम्हें वाला वर्जन दिखा रहा हूँ इसका, जो कि हाँ हम करते हैं. ठीक है, ठीक है, तो क्या इसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो तभी चलेगा जब ये रेंडर होगा. इसके बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन क्या, अब देखो, चलो मैं ये लिखता हूँ. ठीक है, मैं ये लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये भी लिखता हूँ. ठीक है, कोई सा भी तुम कर सकते हो, बट हाँ ठीक है, जस्ट तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो. मैं क्या करता हूँ, लेट टोकन निकालता हूँ. कहाँ से निकालूंगा टोकन दोस्त, बताओ कहाँ से निकालूंगा? जेसोन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा टाइम खर्च ना हो. और ये मैंने समझा रखा है, दैट्स वाई तुमने नोटिस किया होगा, अगर आप पहले से पढ़ते हो मुझसे, कि मैं वो चीज़ समझाता हूँ अच्छे से जो मैंने समझाई नहीं, लेकिन जो मैंने समझाई भी है उस पर मैं इतना टाइम नहीं देता. लाइक जेसोन डॉट पार समझाओ मैंने क्या है कैसे है, तो इस पर इतना टाइम नहीं देते, बाकी तो आप करते हैं. यूज़र करना है, ठीक है, और यूज़र जो ये पूरा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर से डॉट टोकन निकाल लेना है. ठीक है, देखो डॉट टोकन निकाल लिया. ठीक है, टोकन आ गया. अब तुम यहाँ पे कर सकते हो, इफ टोकन है, ठीक है, तो ये चीज़ कर दो, या फिर इसका उल्टा कर दो. अगर टोकन नहीं है तो तुम यहाँ से रिटर्न कर दो, और रिटर्न कर दो. देखो रिटर्न कर सकते हो कि कहाँ भेजना है तुम्हें, लेकिन अगर तुम थोड़े से और होशियार बनोगे तो नेविगेट करा दो इसको, जस्ट नेविगेट करा दो टू, आई थिंक ऐसे आएगा ना, साइन अप पेज पे, अगर टोकन नहीं है. ठीक है, ये इतना सा कोड है, इसके थ्रू तुमने कर लिया. देखो ये आ रहा है, मैं इसके अंदर से डेटा डिलीट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ. नेविगेट कहाँ हो गया, देखो अब ये कुछ हुआ, देखो यहाँ पे कुछ हुआ, टोकन नल आ रहा है. ठीक है, क्योंकि टोकन तो मिल नहीं रहा होगा. ठीक है, मैंने वो डेटा डिलीट कर दिया. अगर आप टोकन कराओगे CLG, टोकन, ठीक है, टोकन, ये तो एरर आ रहा है. ओके, तो ये देखो सो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मैं अगर इसको नल बोल दूँ,
अभी क्या आ रहा है, नल तो है ही, या फिर इसको मैं अनडिफाइंड बोल दूँ। अनडिफाइंड, ये रीज़न मैं बताता हूँ आपको, अभी रुको। यही है वो दिक्कत, क्या है कि मैंने वो चीज़ देखो वहां से डिलीट कर दी लोकल स्टोरेज पे से। कहाँ है अरे एलिमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिए, तो ये जाता है यहाँ पे जिसने तो पास कर लोगों से गेट आइटम यूजर्स को मिलता ही नहीं टोकन, ठीक है। लेकिन मैंने और भी बोल रखा है अगर ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ मिल जाए, तो ये उसी में कन्फ्यूज हो रहा है भाई मेरा। ये देखो कांट गेट द प्रॉपर्टी ऑफ नल टोकन, ओके इसको हटा देते हैं एक्चुअली, ठीक है, दैट्स द राइट थिंग, ठीक है दैट्स द राइट, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं अनडिफाइन को भी हटाता हूँ, ठीक है बेस्ट है। तो तुम यहाँ डायरेक्ट टोकन, अब देखो जैसे ये है, अब तुम बोलोगे यार मुझे नीचे नए टोकन डॉट टोकन करना पड़ेगा, मतलब समझ लो अगर ये यूज़र है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट टोकन तो आएगा, ये पूरा का यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा, तुम बोलोगे यूज़र डॉट टोकन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा टोकन आएगा, फिर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसे कर सकते हो, डिस्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पे, लाइव डिस्ट्रक्चर, ठीक है। टोकन आ गया तो वही वही वाली चीज़ है, ठीक है, तो मैं इसको साइन इन करता हूँ, ये सारी चीज़ें। अगर मैं देखो अब जाता हूँ क्रिएट ब्लॉक पे, ये देखो यहाँ पे अब फिर से एरर आ गया भाई, आई थिंक सो, अब वो अब डिस्ट्रक्चर वाला एरर आ गया। अरे यार कि तू डिस्ट्रक्चर कहाँ से कर रहा है भाई, जस्ट उस वजह से। तो तुम्हें ये कंडीशन भी हैंडल करनी पड़ेगी आई थिंक सो। देखो अब हो गया, अब हो गया, तो वही करना पड़ेगा तुम्हें अब, जैसे कि वैसे तो यहाँ पे करा रहे हो लेकिन तुम यहाँ पे कर सकते हो टोकन डॉट टोकन, बस यहाँ पे ना है, यहाँ पे भी एरर आ सकता है, यहाँ पे भी एरर आ सकता है कि तुम अनडिफाइंड डॉट टोकन क्या कर रहे हो, दैट्स अ एरर आ सकता है। तो यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है, इसको इसको ही सही है, यही सही है भाई, ठीक है, यही चंगा सी, ठीक है। तो हाँ देखो अब मैं जाता हूँ क्रिएट ब्लॉक पे, ये जाने नहीं देगा मुझे, वापिस यहीं ला के पटक देगा कि भाई तू साइन इन तो कर ले पहले, और तुम एक टोस्ट भी दिखा सकते हो, यू नीड टू फर्स्ट साइन इन, ऐसा ऐसा कुछ करके दिखा सकते हो। ये देखो जाने नहीं देगा क्योंकि टोकन ही नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ अगेन, कुछ समथिंग समथिंग डाल देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस को ड्रॉप मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ गया, यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट ब्लॉक पे लेके जाता हूँ, मस्त करके आएगा क्योंकि टोकन है मेरे दोस्त, टोकन है, ये देखो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आया, टोकन है मेरे पास, टोकन है, ठीक है। ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। देखो एप्लीकेशन में जाओगे तुम्हें यहाँ पे बेहतरीन करके मिलेंगी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे तुम इसको मॉडिफाई एमिटर को एडिट कर सकते हो, देखो एक्सपेंड रिकर्सिवली, एडिट का ऑप्शन आ रहा है कुछ, ऐड प्रॉपर्टी टू वॉच पाथ, तो कहीं और ही ले गया। ये देखो तुम इसको एडिट नहीं कर सकते आई थिंक, तो रहता ग्लोबल, यहाँ ले आया छोड़ो, तो तुम इसको एडिट नहीं कर सकते हो समथिंग ऐसा, ठीक है। तो तुम्हारे में ये तो देखो तभी आएगा स्टोर, ठीक है, जब तुम ये कराओगे, प्लस इसमें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा ऐसा ही है, डोमेन वगैरह का भी होता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब में लॉगिन कर रखा है, यूट्यूब पे लॉगिन कर रखा है, तो यूट्यूब का भी लोकल स्टोरेज होगा, लेकिन ये मुझे सिर्फ और सिर्फ यहीं का दिखा रहा है, देखो होस्ट, देखो होस्ट, देखो मुझे वहीं का दिखा रहा है, ठीक है। तो डोमेन वाले भी चीज़ होता है, तो अगर ये चीज़ है तो मतलब वो वेरीफाइड यूज़र है, इतने में वेरीफाइड हो गया, लेकिन यहीं पर तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। अब तो मेन स्टार्ट होता है, शुरू, वो क्या शुरू होता है, वो ये शुरू होता है दोस्तों कि ठीक है मैंने ये करा लिया, ठीक है सही है, इसने कोई रिक्वेस्ट भेजी क्रिएट ब्लॉग की, ठीक है, अब मैं क्रिएट ब्लॉग वाला फॉर्म बनाऊं, रुको वेट, कहाँ है क्रिएट ब्लॉग, क्या क्या करा रहा हूँ मैं क्रिएट ब्लॉग में, टाइटल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और क्रिएटर की आईडी, बेसिकली मुझे यहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही देना है, इतना सा काम मेरा है, ठीक है। मैं जाता हूँ, देखो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में घबराहट कोई सी नहीं रखनी तुमने, ठीक है दोस्तों, इस पूरी डिप को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, क्रिएट ब्लॉग में आओ, यहाँ तुम क्रिएट ब्लॉग कर रहे हो, पूरी डिप कहाँ से कहाँ तक करी थी, वेट, हाँ इसको पूरी को यहाँ पेल दो, ठीक है ये कर लो। अब यहाँ पे बस तुम देख लो ना कि साइन अप लिखा है, क्रिएट ब्लॉग लिख दो, इसको अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जस्ट ये तो मैं करा रहा हूँ, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और करनी है फिर, कॉपी जब ये करा है तो इसको कर लेते हैं, 2 मिनट, देखो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने दोस्तों रीनेम कर रहा हूँ बस, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने करा यूज़र डेटा की जगह, तुम ऐसा व्लॉग डेटा लिख सकते हो, ठीक है, व्लॉग डेटा,
लोग डेटा यहाँ से ना तुम्हारे, देखो 100% मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि तुम्हें यहाँ से ना डाउट तुम्हारे काफी क्लियर होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड चाहिए नहीं, यही दो फील्ड है क्या? वेट, हाँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है ठीक है, वेट, हाँ ठीक है, फिर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन आ गया, टाइटल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है बेहतरीन, सही है सही है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, ये इनपुट आ गया, क्रिएट व्लॉग आ गया, इसके अंदर प्लेस होल्डर का नाम दे दो, टाइटल ठीक है, टेक्स्ट आ गया, ठीक है ठीक है, प्रिवेंट नेम नहीं, टाइटल है, टाइटल टाइटल जी टाइटल, हाँ यूज़र है ना, सेट यूज़र डेटा, सेट व्लॉग डेटा, दैट्स व्हाई, अरे अभी भी टाइटल नहीं दे रहा है, वो दा। अच्छा यूज स्टेट नहीं है अब की बार, ठीक है ये देखो छोटे छोटे एरर होते हैं, टाइटल अब आएगा, टाइटल आया ना आया, हाँ छोटे छोटे एरर होते हैं तो तुम्हें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि क्या हो सकता है। अभी डिस्क्रिप्शन आएगा, फट से आ गया, ठीक है ठीक है, यहाँ पे डेस्क टाइप इसका टाइटल दे दो, ठीक है, ये इनपुट तुम्हें चाहिए नहीं पासवर्ड वाला, तो इस इनपुट को हटा दो। तो अगर तुम अब जाके देखो क्रिएट ब्लॉक पे, तो थोड़ा सा सोना सा लगेगा, बट ये आ नहीं रहा भाई, कुछ एरर आ रहा होगा 100%, क्या नहीं डिफाइन किया, हैंडल सबमिट डिफाइन नहीं किया, ठीक है तो हैंडल सबमिट का है भाई, का हैंडल सबमिट का है, हैंडल सबमिट का है, कॉपी पेस्ट मार दिया करो भाई, टेंशन वाली बात नहीं है अपन को, हैंडल सबमिट कहाँ से कहाँ तक है, कॉपी कर लो, ठीक है हैंडल सबमिट, क्रिएट ब्लॉक कर रहे हो, कंपोनेंट तुम्हारा ये, ठीक है, और इसको तो ऊपर ही कर, मतलब यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है क्योंकि ये दिख रहा है डेटा, ये चलेगा तो नहीं, चलेगा तो क्लिक पे, ये भी आपको पता है, आ रहा है क्रिएट व्लॉग, टाइटल दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, सबमिट कर दो, ठीक है बहुत बेहतरीन, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। बट कैच यहीं पे, यहीं पे है कैच, कैच यहीं पे है दोस्तों, ठीक है कैच तो यहीं है, हैंडल सबमिट करना है, पहले बात तो देखो एपीआई क्या है, एपीआई आनी चाहिए मेरी व्लॉग, ठीक है मेथड होगा मेरा पोस्ट, सही है, यूजर डेटा नहीं होगा वो होगा व्लॉग डेटा, ठीक है ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है निशान भाई, मतलब समझ में आ गया, व्लॉग डेटा होगा ओके फाइन, बट इसमें एक चीज़ है, तुम देखो व्लॉग डेटा क्या क्या मांग रहा है, एक तो क्रिएटर मांग रहा है जो कि एक क्रिएटर की आईडी है, ठीक है, एंड देन दूसरी चीज़ क्या मांग रहा है, टोकन, मतलब ये देखो हमारा हमारा देखो कोड क्या कहता है, अच्छा उसको छोड़ो कोड देखो, स्टार्ट हो गया मेन चीज़, ठीक है 57 मिनट के बाद, भाई वो भी थी यार मेन चीज़, ठीक है अब देखो मैं वो करके ला सकता था, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता था, मुझे मज़ा नहीं आता उस चीज़ में, ठीक है तो हम ऐसे करते हैं, ऐसा अच्छा है, या देखो तुम बॉडी से क्या क्या मांग रहे हो, बॉडी से टाइटल मांग रहे हो, डिस्क्रिप्शन मांग रहे हो, ड्राफ्ट कई लोग देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, एक क्रिएटर मांग रहे हो, अच्छा क्या ये चीज़ ज़रूरी है मैं बॉडी में ही क्रिएटर दूँ, मतलब ज़रूरी तो नहीं है, नहीं तुम दे भी दोगे ना, देखो तरीके काफ़ी सारे हैं इसमें, तरीके काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे तुमने जो क्रिएटर दिया है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू मेरे भाई, तुम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो, जस्ट मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिटरली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन निजामे मैं क्रिएटर निकालूंगा कहाँ से, मैंने कहा एक काम करो ना भाई, एक काम करो यहाँ पे जाओ, इसको कॉपी करके लाओ जरा, इसको कॉपी करके लाओ, हो गया कॉपी, हाँ हो गया, ठीक है JWT के भीतर जाते हैं भैया, यहाँ पे ना इसको पेस्ट कर दो, एंड द जिस टाइम पे तुम इसे पेस्ट करोगे तो यू विल फाइंड कि भाई आईडी तो ये है और ईमेल ये है, तो आईडी मैं इससे डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, ठीक है इससे डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, ठीक है और ये मैं कैसे भेजूंगा यही बताना है, तो क्रिएटर तुम्हें मिलेगा मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा क्रिएटर, ठीक है ठीक है, क्रिएटर अभी है, ठीक है मैं टू डू लिख देता हूँ, क्रिएटर मैं अभी कोड भी लिख सकता हूँ यहाँ, लेकिन नहीं कोड नहीं लिखेंगे, वो तुम्हारे सामने करेंगे, मुझे याद रहेगा कि क्रिएटर भी हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है ठीक है, अब बात सुनो मेरी, तुम यहाँ पे तो तुमने ये नहीं भेजा, अब देखो ये तो तुम कहाँ से बैकएंड से भेज रहे हो, फ्रंट एंड से मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं क्या मैं भेज रहा हूँ, वेयर इज द फ्रंट एंड, वेट साइन अप, नोट साइन अप, वेयर इज द क्रिएट ब्लॉग, ये रहा देखिए ये सारी चीज़ सही है, लोकल हो, दिस 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 ब्लॉग डेटा भेज दे, ठीक है हेडर भेज दे, ठीक है, अच्छा नहीं भाई ये सब चीजें तो ओके है, टोकन कैसे भेजोगे, तुम बोलोगे टोकन जान भाई ये है इसको ऐसे भेज दो, ठीक है और इसके साथ टोकन अटैच कर दो,
ठीक है, इसके साथ टोकन अटैच कर दो, ठीक है, या और भी तरीके, स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो बेसिकली, ठीक है, समझ रहे हो ना, स्प्रेड ऑपरेटर लगा के एक ऑब्जेक्ट ही तो भेजना है, टोकन भेज सकते हो, ऐसे भेज दिया तुमने टोकन, ठीक है, ठीक है, टोकन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, एक्चुअली ये यूज़र है, ठीक है, यूज़र है, तो आप यहाँ पे यूज़र कर सकते हो। अब जैसे देखो एक है इसमें चीज़, वो ये है कि तुम्हें अंदर से निकालना पड़ेगा यूज़र, तो काफ़ी बार क्या होता है, तो सच्ची में ये चीज़ काफ़ी बार होती है कि वेयर इज द ब्राउज़र यार, यही है ब्राउज़र, हाँ, तो काफ़ी बार क्या होता है, ये चीज़ 100% होती है, एक तो तुम्हारे पास यूज़र होता है और एक टोकन होता है, ठीक है, हमने क्या कर रखा है, टोकन इसी के अंदर डाल रखा है, तो हमारे तो को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पे ये यह है कि हमें यूजर डॉट टोकन करके निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें यूजर को चेक कराना पड़ेगा, यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, लेकिन अगर आपने वो वाला केस देखा कि उस केस में वो आ रहा है, एरर आ रहा है, तो तुम टोकन करोगे तो एरर डॉट टोकन, फिर वो अनडिफाइंड वाला चीज हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ये चीज करानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये करेंगे हम, जब देखो मैं 100% तुम्हें अभी सिखा नहीं रहा हूँ, ये 100% है, ये चीज तो जो मैं कह रहा हूँ ये 100%, लेकिन मैं तुम्हें 100% नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन इतना सिखा रहा हूँ कि तुम मजे आ जाएंगे, 90% है ऑलमोस्ट, ठीक है, 90% है भाई, ये छोटी मोटी चीज है, लेकिन मैं उसको भी तुम्हारे सामने डिक्टेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यार ये है ये है ये है, ठीक है, लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे पड़ता भी है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है अभी कि हाँ इससे ये हो गया वो हो गया, पहले दिक्कत तो आने दो मेरे भाई, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ सारी चीजें, वो होना तो फिर क्या, तो पहले मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या है, क्या ऐसे है कैसे है, तो तुम वो भी कर सकते हो, एक टोकन भी करके कर सकते हो कि हाँ अच्छा ठीक है मैंने ये कर दिया, ओके फिर मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो वैसे वैसे कर सकते हैं, बेहतरीन, अच्छा निशान भाई ठीक है, तो तुम निशान भाई ये कहना चाह रहे हो इन शॉर्ट इतनी सारी बकेती के बाद कि मैं यहाँ पे टोकन तो नहीं भेजूंगा, तो टोकन कैसे भेजोगे, टोकन कैसे भेजूंगा, अब तुम्हारे डॉट्स को ना कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने कल बोला था या परसों बोला था जब भी नेक्स्ट लेक्चर था कि हम हेडर में पास करेंगे, हेडर में पास करेंगे, ठीक है, हेडर में पास करेंगे, तो अब आई बारी हेडर की, अब आई बारी हेडर की, ठीक है, हेडर कहाँ है, हेडर सी है तुम्हारा, तो यहाँ पे अब तुम कैसे पास करोगे, यहाँ पे तुम ऑथराइजेशन करके देखोगे, यार ऑथराइजेशन आ नहीं रहा है, ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए गूगल करता हूँ, हेडर्स इन फेच, हेडर 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 दिखाओ ना चीचा, और देखो एक चीज और यहाँ पे स्ट्रिंग, अच्छा आई थिंक हमने स्ट्रिंगिफाई तो कर रखा होगा, इतना तो मैं हूँ, हाँ देखो कर रखा है स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, ऑथोराइजेशन का नहीं दिखा रखा है क्या, मैसेज आया, हेडर 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 कंटेंट टाइप ही दिखा रखा है, अरे वो भी 2 मिनट का है, बट मैं तुम्हारे सामने देखो कैसे करते हैं, ठीक है, ओथ हेडर, ठीक है, सेंड अप बियरर टोकन फैच विद हेडर, भाई यहीं से तो आ रहे हैं हम, कहाँ जाना, कहाँ भेज रहे हो रेडिट भाई, हम यहीं से तो आ रहे हैं, यहाँ से देख लो, ठीक है, रिएक्ट नेटिव भाई ने तो अलग ही बता दिया, ऑथोराइजेशन देखो इसकी तो नीड पड़ेगी पड़ेगी ऑथोराइजेशन की, कुछ है ना, मैंने कॉपी कर ली है स्पेलिंग चुपके से, क्योंकि देखो ये जो चीज़ मैं तुम्हारे साथ फाइंड कर रहा हूँ ना मिल जाएगी, मुझे पता है क्या क्या लिखा है, तो यहाँ पे बता रखा है ये चीज़ थी, हेडर ऑथोराइजेशन और बियरर टोकन, ये चीज़ करके आपको लगानी है, ठीक है, ठीक, यही तो चीज़ करनी है हमको, बट देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑथोराइजेशन कहाँ है, ये लिखा ऑथोराइजेशन, ठीक है, अब मैं तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ, चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, ये लिख देता हूँ, हेलो दिस इज टोकन, ठीक है, ऐसे लिख दिया, हेलो दिस इज टोकन, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, और देखो वो चीज़ मैंने करी, मैंने ये करा, मैंने ये करी कंट्रोल, मतलब जो उसको बोलते हैं फॉर्मेट करा, वह कह रहा इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ये हो गया तरीका, यहाँ पे तो ये हो गया एक हेडर भेजने का, टोकन भेजने का, ये टोकन है समझ लो, अभी किस फॉर्मेट में भेजेगा, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे भेजूंगा, वो सारी चीज़ बताऊंगा, बट हाँ यहाँ पे ऑथराइजेशन लिखोगे ये चीज़ होगी, पोस्टमैन में दिखाता हूँ, पोस्टमैन में आप ये सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, हेडर्स कहाँ दिख रहा है, हेडर्स ये दिख रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें तो हेडर दिख रही है, तो यहाँ पे तुम देखो ऑथ लिखो, ऑथराइजेशन आया, यहाँ पे तुम अपना हेडर डाल दो, दिस इज द तरीका पोस्टमैन में, दिस इज द तरीका तुम्हारा यहाँ पे भेजने का, ठीक है, बेहतरीन,
ब्लॉक्स पे जाएगी, रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अलर्ट अलर्ट में मैसेज, ये बात की बात है ठीक है। और यहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें तो नहीं करानी, ठीक है ठीक है, अलर्ट करा लेंगे, जस्ट अलर्ट करा लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन। करें करें कुछ, करें करते हैं कुछ। करने से पहले, कुछ करने से पहले क्या करना है मैं बताता हूँ। अरे मैं कहीं और ही चला जाता हूँ, हमको जाना है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक ही उसके अंदर खोल रखा है। अब जनरली क्या होता है, बैकएंड अलग खोल लो, मतलब अलग उसमें खोल लो VS कोड में, और ये अलग उसमें खोल लो। तो मैं कह रहा हूँ ओथ मिडिल वेयर पे आएंगे ना, तो नेक्स्ट को कॉल मत कराना, जो कि हमने नहीं करा रखा है ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, लाइक मैं यहाँ पे CLG करके ही दिखाऊंगा, तुम्हारा रैक ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ठीक है, कि रिक्वेस्ट की ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। क्योंकि देखो राउट, मेरे दोस्त ध्यान से देखना, राउट्स क्या क्या है, राउट्स राउट्स पहले मिला लो ठीक है। ब्लॉक्स वेरीफाई यूजर पे आएगी, वेरीफाई यूजर तो ये है, वेरीफाई यूजर तो ये, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आपको उसके दर्शन कराना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे अभी प्रिंट होने वाला है फटफट से। तो हम जाते हैं यहाँ पे अपने, कहाँ है फ्रंट एंड, ये रहा फ्रंट एंड ठीक है। हाँ मैं बोल देता हूँ टाइटल, मतलब कुछ भी डाल देगा, क्योंकि ये तो काम करनी, इस पर टाइम वेस्ट, मैंने ये बोल दिया, को सबमिट कर रहा हूँ, 2-3 बार बोल दिया। अब आता हूँ मैं कोडविच पा दिया मैंने, यहाँ आ गया ठीक है। ये देखो कि 2-3 बार तो मैंने गलत कर दिया ठीक है, क्लियर। मुझे पता भी है देखो कहाँ जाना है, बट स्टिल मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कि हाँ पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करा दिया भाई ने ठीक है। सबमिट करा, ये आ गया ठीक है। अब तुम इसको देखो, पहले तो तुम्हें बॉडी दिख गई, बॉडी दिख गई ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये बॉडी तो ये आ गई ठीक है। मुझे बॉडी का इस वाले कंट्रोलर में, इस वाले मिडिल वेयर में बॉडी का काम है क्या? मुझे बॉडी का काम नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे किसका काम है, यहाँ पे मुझे हेडर का काम है, हेडर का काम है। इसमें देखो दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसमें तो मुझे हेडर ढूंढना है, इसमें मुझे हेडर ढूंढना है कि हेडर कहाँ है भाई ठीक है। हेडर हेडर देखो, मैं हेडर, मुझे पता है मैं रैक डॉट हेडर्स लिखूंगा ना आ जाएगा, बट स्टिल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे मिल गया तो, ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही दिमाग खपाऊंगा इसके पीछे, बस स्टिल एक बार अगर मिल जाए तो फिर एक अच्छी सी चीज़ हो जाएगी भाई, तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ भाई देखो हेडर्स आ रहा है, बट अभी तक तो कोई उसके आसार दिख नहीं रहे मुझको। बॉडी तो एकदम दिख गया आपको, हेडर्स नहीं दिखे, देखो बॉडी तो ये आ गई ठीक है, हेडर नहीं दिख रहा है ठीक है। ये रहा ऑथोराइजेशन ठीक है। एक एक तो ये देखो, एक तो ये यारी चीज़ है ऑथोराइजेशन ठीक है, वो जो चीज़ मैंने भेजी थी ऑथोराइजेशन ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे हेडर्स भेजूँ, हेडर्स मैंने प्रिंट कराया ठीक है, जस्ट मैंने हेडर्स, मैंने ऑथोराइजेशन वगैरह कुछ प्रिंट नहीं कराया, क्या प्रिंट कराया मेरे दोस्त, हेडर्स ठीक है। मैं भेजता हूँ रिक्वेस्ट यहाँ से, तो ये देखो ये मेरे पास हेडर आया, ये हेडर ठीक है, ये जो आया ठीक है। अब इस हेडर के अंदर देखो क्या चीज़ आई, ये ऑथराइजेशन आया ठीक है, ये हेडर कहाँ से आया दोस्त मेरे, देखो तुम्हें तो कुछ सारी चीज़ बता दो। ये हेडर आया है मेरे कॉपी ले सकता हूँ मैं इसका, क्योंकि मैं तुम्हें यार अच्छे समझाना चाहता हूँ एक्चुअली ठीक है, धोखाधड़ी नहीं करना चाहता, ये मैंने कॉपी कर दिया ठीक है ठीक है। ये हेडर कहाँ से आया, फ्रंट एंड से, पेस्ट करो यहाँ पे, जिससे कि हमारे साढ़े इतना छोटा नहीं, ये तो अलग है। अरे तो टोकन आ गया, नहीं भाई टोकन नहीं चाहिए, मैंने अभी एसेस लिया है भाई इसका ठीक है भाई, ये लेक्चर लंबा जाने वाला है एंड आई एम टायर्ड। फ्रंट एंड से आया, बैक एंड का हेडर दिखाता हूँ तुम्हें ठीक है। ये फ्रंट एंड से आया दोस्तों, और मुझे क्या कॉपी करना था, मुझे एक्चुअली ये कॉपी करना था, दिस इज टोकन ठीक है, वेयर इज द पोस्टमैन, दिस इज द पोस्टमैन, ऑथराइजेशन में डाला, ये हेडर गया, कैंसिल करा, ये हेडर आया ठीक है। अब तुम्हें फ़र्क दिखाना चाहता हूँ मैं दोस्तों में ठीक है। देखो टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन दुनिया लेती है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इधर आओ ठीक है ठीक है। अब तुम इस पर देखो कंपैरिजन करो, कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा करके दोस्त, कोई नहीं दिखाएगा ठीक है, तो थोड़ा ऐसा कर देते हैं ना। तो ये तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऊपर कैसे बुलाऊं, एड टू टॉप ब्रिंग फ्रंट ठीक है। हाँ ये गंदा सा लग रहा है यार, ये कट भी जाता है ना, रुको ओल्ड से कट जाता है, अच्छी ऐसी सही है, नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम ठीक है ठीक है।
तो मैं तो तुम दिख रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है भाई आओ। बकेती हो गई बहुत ज्यादा। ये आया है मेरा पोस्टमैन से, ठीक है, और ये आया है मेरा फ्रंट एंड से। तुम डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे ऑथराइजेशन लिखा है, सबसे टॉप पे लिखा है ऑथराइजेशन, मेरा यहाँ लिखा है। अच्छा क्या स्पेलिंग में डिफरेंस है, क्या किसी चीज़ में डिफरेंस है? किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं, सारी चीज़ें सेम है। कंटेंट टाइप जेसोन है, कंटेंट टाइप तो यहाँ पे है ये रहा, ठीक है। यूजर एजेंट है पोस्टमैन, रन टाइम, यहाँ पे यूजर एजेंट देखो है, यहाँ पे ये मोजिला विंडो, ये सारी चीज़ें, गूगल क्रोम, कंटेंट लेंथ क्या है, कनेक्शन की पलाइव, कैसे कंट्रोल नो, कैसे पोस्टमैन का टोकन है, लोकल होस्ट तो यही आएगा दोनों में, होस्ट ठीक है, एक्सेप्ट एनकोडिंग ये है, यहाँ भी होगा 100%, लैंग्वेज, कंटेंट लेंथ यहाँ पे ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंटेंट लेंथ ज़्यादा क्यों है, वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, बताता हूँ बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कंटेंट लेंथ दिख रही है ना बॉडी के अंदर, दिस इज कंटेंट लेंथ, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सही है। तो तुमने देखा, देखा तुमने देखा कि नहीं देखा, बस मुझे बता दो दोस्त। तुम्हारे सामने यार दूध का दूध पानी का पानी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में है, तुम्हें दिखा दिया ऑथराइजेशन, बस ये पोस्टमैन का हेडर है, ये यहाँ का हेडर है। अब ना तुम क्या करना, कहीं से भी कर लो रिक्वेस्ट। अब दोस्तों देखो, मैं फ्रंट एंड से भी दिखा दी, बैक एंड से भी दिखा दी, ठीक है, कहीं से भी कर लो रिक्वेस्ट। अब मैं जाता हूँ, इसमें तो दिक्कत नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन लिख देता हूँ, कैपिटल नहीं बेटा, स्मॉल, ठीक है, और इसको मैं ऐसे करता हूँ, बैक एंड से मारते एक रिक्वेस्ट, कंफर्मेशन, या ओ हेलो दिस इज टोकन, बट वाई यहाँ पे, अच्छा ये पहले का होगा ना एक्चुअली, दिस इज पहले का है ना, क्योंकि तो यहाँ पे नेक्स्ट का कॉल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से मारता हूँ एक और, तो वहाँ पे एक और आ जाना, बेहतरीन चल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब हम टोकन भेजते कैसे दोस्तों, हम टोकन भेजते कैसे हैं, ये मेन चीज़ है ना, टोकन भेजते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा इसको मगर बड़ा करूँ, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा करूँ, अगर आप जाओगे यहाँ पे ऑथराइज, देखो हेडर तो है, हेडर तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू कैन पुट टोकन हियर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यहाँ पे एक ऑथराइजेशन करके अलग से भी चीज़ है। अगर तुम जाओगे ना तो इनहेरिट ऑथ फ्रॉम पेरेंट, ये सारी चीज़ें, नो ऑथ, बेसिक ऑथ, बियरर टोकन, JWT बियरर, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता कहाँ जाना, तुम्हें जाना है इसमें बियरर टोकन पे, देखो बहुत सारी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, बियरर टोकन में जाना। अब बियरर टोकन में क्या होता है यार, तुम यहाँ पर टोकन डाल दो, बियरर टोकन में होता है, यहाँ पे अपना टोकन डाल दो। अगर तुम बॉडी में, बॉडी यहाँ पे जाओगे हेडर में, अभी कुछ नहीं आया, यहाँ पे बियरर टोकन में अपना टोकन डाल दो, एंड मेरा टोकन क्या, मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया। हेडर में आओगे, हेडर में आया नहीं है, कुछ आ रहा है क्या, मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, जस्ट मैंने डिलीट कर दिया दोस्त, ठीक है, मैंने यहाँ से नहीं भेजा, मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बता दो, सॉरी, यहाँ से मैंने ऑथराइजेशन भेज रहा हूँ, कुछ दिखा, ये ऊपर खुद आ गया भाई, ऊपर खुद आ गया, ऊपर खुद आ गया, ऊपर खुद आ गया ना बीआरआर करके, और उसके आगे नाम लिखा है, ठीक है। तो हम जर्नली हमारा यही होता है कि हम वहां से इस फॉर्म में भेजते हैं, इस फॉर्म में भेजते हैं, इस फॉर्म में भेजते हैं, इस फॉर्म में भेजते हैं बीआरआर, और ये तुम्हारा टॉपिक, ठीक है। तो अगर मैं फ्रंट एंड में जाके ये सेम चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, वेयर इज द क्रिएट ब्लॉग, ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे तो नहीं भेजूंगा, ठीक है, ये तो नहीं भेज रहा भाई, ये तो नहीं भेज रहा, मैं क्या भेजूंगा, मैं ऐसे ऐसे करने के बाद मैं भेजूंगा बेयरर, और यहाँ पे ये लगाऊंगा, और तुम्हारा यूजर डॉट टोकन, ठीक है, मैं ये कंडीशन मान रहा हूँ, सब बेहतरीन चंगा सी, ठीक है, यूजर डॉट टोकन ये भेजूंगा मैं, सही है, ये तो यहाँ से। अब मैं तेरे को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, प्रिंट कराता हूँ वहाँ पे, फ्रंट एंड से भेजता हूँ, फ्रंट एंड से भेजता हूँ, फ्रंट एंड से भेजी रिक्वेस्ट, कोड में आओ, ये करो, क्या आया, टोकन आया कि नहीं आया दोस्तों, टोकन आया कि नहीं आया। अच्छा सेम टोकन को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया वो, ठीक है, पोस्टमैन में जाते हैं, यहाँ पे ना तुम तो यहाँ पे पेस्ट कर देना उस पर्टिकुलर टोकन को, ठीक है, पर्टिकुलर टोकन को, और सेंड करी रिक्वेस्ट, कैंसिल करी, और यहाँ पे देखो क्या सारी की सारी चीज़ें सेम नहीं दिख रही तुम्हें, सारी की सारी चीज़ें सेम है, सारी की सारी चीज़ें सेम है कि नहीं है, सारी की सारी चीज़ें सेम है कि नहीं है, पहले बस ये बता दो, है ना दोस्तों, पहले बस मुझे एक मिनट,
ठीक है ये तो मुझे क्या कर रहा हूँ, बट हाँ ठीक है। मैं क्या कह रहा था, तुम मुझे बताओ कि चीजें सही हैं कि नहीं है, सारी सारी चीजें सेम है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक टोकन चाहिए बस, ये तुम्हें टोकन चाहिए, ये टोकन मिल जाए ना काम सेट हो जाएगा हमारा तो, ठीक है। यहाँ का काम खत्म हो गया, यहाँ का काम ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। हेडर तुम्हारा कंप्लीट है, हेडर तुम्हारा कंप्लीट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो तुम अब यहाँ से क्या करना है, कट करना है इसको, कंसोल लोड तो नहीं कराना। लेट टोकन मोस्ट टोकन इक्वल टू ये चीज। अब मुझे बताओ तुम इसमें से टोकन कैसे निकालोगे, टोकन कैसे निकालोगे, मतलब टोकन तुम्हारा कुछ ऐसा, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ करके दिखाता हूँ, लाइक तुम्हारा टोकन है लेट सी इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, बी आर आर है, ठीक है, बी आर आर है, और यहाँ पे तुम्हारा टोकन है, समथिंग तुम्हारा टोकन है, ठीक है। तो तुम इसको कैसे निकालोगे, तुम्हें तो इतना पार्ट चाहिए ना। अच्छा बी आर आर क्यों लगाते हो, देखो इसका समझ में तुम्हें नहीं आ रहा होगा, यार मैंने बी आर आर क्यों पुट करा, मैं तो कुछ भी पुट कर सकता हूँ ना, बी आर आर क्यों पुट करा, कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए होता है, और ये सारी चीजें होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे बी आर आर लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा है, बाद में तुम टोकन ही लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें तो पहले वाली चीज निकालनी है, ठीक है, और ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये निकालना है मुझे, ये कैसे निकालूंगा, क्या क्या तुम्हारे माइंड में आ रहा है, क्या क्या तुम्हारे माइंड में आ रहा है। पहला तो देखो ये है, टी डॉट स्प्लिट कर लो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऐसा स्पेस, तो ये आ गया, और इसका पहला ऑब्जेक्ट दे देना, इससे आसान कुछ होगा, इससे आसान कुछ होगा नहीं, ये देखो ये आ चुका, टी कराओगे ये तो, टी तो वही है, लेकिन तुम मिल गया टोकन, मिल गया टोकन, मिल गया। दूसरा तरीका बताओ निशांत भाई, दूसरा तरीका है टी डॉट रिप्लेस कर दो, किस चीज को रिप्लेस करना है, इस स्पेस को रिप्लेस करना है विद एम्प्टी जगह, ठीक है। आओ भाई गलती कर दी, गलती कर, गलती मतलब ये कर दी तुम्हें, बियरर, हाँ तुम्हें ना इसको करना था, हाँ तुम्हें इसको करना है, और यहाँ पे देखो गलती एक और हो गई, यहाँ पे एक स्पेस देना है एक्चुअली, हाँ। तो देखो दो तरीके हैं, ठीक है, क्या तो आप ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, और ये यूज कर सकते हो, अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें यूज करना चाहो वो यूज कर लो। तो यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा, यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। अब कोई हर्रा मना जा 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 जा, कोई आया भाई, शैतान बंदा आया, ठीक है, टोकन के केस में तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें टोकन नहीं मिला, तुम्हें टोकन नहीं मिला भाई, तो तुम्हें रिटर्न कराना पड़ेगा, रेस डॉट स्टेटस कोड उसका दो यहाँ पे, ठीक है, यूजर की तरफ से एरर है 400 दे दो, जेसन में डाल दो, ठीक है, जो हम एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं मैसेज वगैरह देने की और सक्सेस वगैरह देने की, ठीक है, फ्लैग दे सकते हो तुम, क्या है स्टेटस वाला, तो फॉल्स कर दो यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया, मैसेज दे दो, मैसेज दे दो कि इनवैलिड टोकन दे दो, लेकिन यूजर को क्या समझ में आएगा इनवैलिड टोकन क्या होता है ना, तो बोल दो प्लीज साइन इन, ठीक है, प्लीज साइन इन बोल दो, ठीक है, ये तुमने उससे बहुत प्यार से बात कर ली, लेकिन अब प्यार से बात तो ये तो हो गई, ठीक है, लेकिन अब लगाओगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अच्छा ट्राई एंड कैच ब्लॉक क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं इस टोकन को वेरीफाई करना चाहता हूँ, क्या ये वेरीफाइड टोकन है, टोकन तो दिया उसने, दे दिया मतलब अनडिफाइंड नहीं आई वैल्यू, उसने यही वैल्यू दे दी, बट ये वेरीफाई थोड़ी हो जाएगा भाई, ये क्या है, ये हु व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस, ये है क्या, है ना, ये क्या है, मुझे मुझे बताओ यार ये क्या है। तो इसको तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई जब करते हो और सही इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उसके अंदर से तुम्हें यूजर की डिटेल निकलती है भाई, हो तो उसके अंदर से तुम्हारी यूजर्स की डिटेल आती है, तो यहाँ पे वो वेरीफाई वाला कोड लगेगा, तो लेट, है ना। और मतलब अब देखो यहाँ पे मैंने यूजर लिखा है, अब यूजर क्यों लिखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम टोकन लिख सकते हो, या डिकोडेड पार्ट लिख सकते हो, या वेरीफाइड पार्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर से मुझे दो चीजें मिलेंगी, ईमेल और यूजर की आईडी, दैट्स व्हाई मैंने यूजर लिख दिया, ठीक है, ठीक है। मैं क्या लगाऊंगा, अवेट लगा लेता हूँ, ठीक है, JWT, क्या इसके अंदर JWT है, JWT तो नहीं है, JWT तो नहीं है, ठीक है, और तुम यहाँ पे उसको वेरीफाई करा सकते हो, बट हमने क्या करा रखा है, वेरीफाई JWT का फंक्शन बना रखा है, वेरीफाई JWT, है ना, विच वॉन्ट्स, एक तुम्हारा टोकन मांगता है बस, तो
टोकन कहाँ से आ गया, टोकन वहां से आ गया। आप वेरीफाई JWT को एक बार चेक कर लो, ठीक है, वेरीफाई JWT को एक बार चेक कर लो। और देखो तुमने यहाँ पे ट्रेंड कैच ब्लॉक ऑलरेडी लगा रखा है मेरे भाई, टेंशन वाली बात नहीं, अगेन करो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम जनरली ये वाले सॉरी हम इस पार्ट को ना यहाँ पे भी करते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, है ना। देखो वो तो मैंने बना रखा है ना, तुम JWT के नाम से बना सकते हो, लेकिन मैं तुम कंफ्यूज ना हो यार दोस्तों, तो इस पार्ट को ना हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है, हम इसी के अंदर ही, इसी के अंदर ही लगा देते हैं और वैलिड करा लेते हैं, वेरीफाई है कि नहीं है, ठीक है, ये आ गया, इस वैलिड ट्रू कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी हम करते हैं। लेकिन देखो मैंने अच्छे से चीज़ें ऑलरेडी हैंडल कर रखी हैं, ठीक है, अच्छे से ऑलरेडी हैंडल कर रखी हैं। कहाँ पे, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, वेरीफाई JWT पे जाओ, ठीक है, अगर वेरीफाई हुआ, वैलिड हुआ, तो तुम्हें डेटा, देखो यहाँ पे ट्रू तो रिटर्न हो रहा है, तो तुम ट्रू रिटर्न करा लो, या फिर इस वैलिड मतलब ये डेटा रिटर्न कर देगा तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे इस वैलिड मतलब डेटा आ रहा है, मतलब डेटा लिख देता हूँ मैं, तो वो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे डेटा लिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो कुछ हुआ तो डेटा रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, वापिस अपने कोड में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, इफ यूजर है मतलब डेटा है, तो इसमें तो सब कुछ चंगा सी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, नहीं आया, नहीं आया, तो तुम क्या बोलोगे, अगेन रिटर्न कराओगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे बोलोगे स्टेटस में दे दोगे वही 400, और मतलब पूरा यही कॉपी कर लोगे, क्योंकि साइन इन इनवैलिड है ना, एक तो नहीं है, नहीं है का मतलब उसने लॉगिन नहीं कर रखा, तो ये सारी चीज़ बोल दोगे, ठीक है, और ट्राई एंड क्लोज कैच ब्लॉक के अंदर डाल भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि ये तुमने ऑलरेडी ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर डाल रखा है, जो मेन तुम वेरीफाई वाला काम करा रहे हो, ठीक है, तो वो टोटली हटा भी दो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आ गया, लेकिन अगर ये वाली चीज़ भी पार कर गया तो तुम्हें क्या करा देना, तुम्हें नेक्स्ट करा देना, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दर्शन कराना चाहूँगा, दर्शन क्या कराना चाहूँगा, ठीक है, देखो यहाँ अगर इस वाली लाइन में ये लाइन प्रिंट हो रही है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, अगर ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है तो मतलब सारी चीज़ें चंगी हैं, सारी चीज़ें चंगी है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, है ना, ये मान सकता हूँ कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है तो हाँ है ना दोस्त, हाँ है ना, ठीक है। तो अगर मैं देखो पोस्टमैन से मारता हूँ रिक्वेस्ट कि इट वैलिड टोकन है ना, वैलिड टोकन है, मैं इसमें से ई हटा देता हूँ, ई हटा दिया, ठीक है, ई हटा दिया मैंने, मैं मारता हूँ रिक्वेस्ट फॉल्स प्लीज साइन, ठीक है, इनवैलिड टोकन भी शो कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था मुझे भी नहीं पता, ई था है ना, क्या अब यहाँ पे देखो एवरीथिंग इज ओके प्रिंट हो गया दोस्तों, एवरीथिंग इज ओके प्रिंट हो गया। सेम चीज़ मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मारता हूँ, अगेन एवरीथिंग इज ओके, मतलब वैलिड है यूज़र, वैलिड है यूज़र, क्योंकि यार तुम एक चीज़ देखो ना, मैं टोकन को पहले कॉपी करता हूँ, क्योंकि देखो अगर टोकन को मैंने उठाया, ये ऐसा नहीं है इस टोकन को मैंने यहाँ पुट किया, ये सारी चीज़ें भाई, अगर तुम इसको 5 को 6 बनाओगे ना, 5 को 6 बनाओगे, टोकन की ना सूरत बिगड़ जाएगी, ठीक है, पहले क्या था, पहले 5 था, अब तुम देखना कहाँ से बदलेगा, देखो इसके बाद ना पूरा टोकन बदल गया, इसके बाद ये पूरा टोकन बदल गया, ठीक है, पूरा टोकन बदल गया, जैसे इसने टोकन मतलब तुम एक इसमें से इंफॉर्मेशन को ना मॉडिफाई करोगे, टोकन बदल जाएगा भाई, टोकन बदल जाएगा, और टोकन बदला फिर वो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी भाई, ठीक है, इसमें तो डेटा है भी नहीं, अरे ऊपर का डेटा कहाँ है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, एवरीथिंग इज ओके, मैंने तो एवरीथिंग ओके प्रिंट करा दिया था, लेकिन तुम इसकी जगह यूज़र प्रिंट करा लो, क्योंकि यूज़र के अंदर तो डेटा आना चाहिए ना, अगर एवरीथिंग इज ओके कराओ, अब जो कैंसिल कराओ, डेटा आ गया, ईमेल ये है, उसकी यूज़र आईडी ये है, और ये है, ये कहाँ से आया, ये तुम्हारा पोस्टमैन से आया, फ्रंट एंड से मारते हैं, ठीक है, वेयर इज द फ्रंट एंड, एक बार इतना टैब खुल जाता है ना, वेरी रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट, ये चीज़ आई, ठीक है, बॉडी तो आई रही है, अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, अरे कहाँ है भाई ये, वेयर इज द दैट, हां ये, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखो बॉडी तो आई रही है, ऑब्वियसली बात है, अब नेक्स्ट सारी चीज़ें सही है, तो तुम्हें जाना है ब्लॉक राउटर पे। अब यहाँ पे क्रिएटर था, एक क्रिएटर था, इस क्रिएटर को कैसे निकालोगे,
क्रिएटर इक्वल्स टू यूजर की आईडी मान लू, मैं क्रिएटर इक्वल्स टू यूजर की आईडी मान लू, लेकिन हमने यहाँ पे क्रिएटर ही कर रखा है तो हम उसी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम क्रिएटर डाल लो, ठीक है, तो तुम इस क्रिएटर को कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूँ। इस क्रिएटर को मैं ऐसे लिखूंगा, const क्रिएटर, मैं बॉडी से ना एक्सट्रैक्ट करके कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगा, देखो रेक्ट डॉट यूजर से। ठीक है, ये मेरा तरीका होगा। यार ये रैक डॉट यूजर कहाँ से आ गया, बॉडी तो आ गई बट ये रैक डॉट यूजर आया कहाँ से, रैक डॉट यूजर आया कहाँ से। ठीक है, तो ये रैक डॉट यूजर आया कहाँ से, ये मैंने ना, ये क्या है, ये एक कस्टम है, ये कस्टम है, मतलब तुमने इसको मॉडिफाई किया, अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई किया, और वो तुम करोगे ओथ में मॉडिफाई। वो कहाँ करोगे आप, ओथ में, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, रैक डॉट यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट कहा है भाई, दिखा देना थोड़ा सा भाई, हाँ यूजर डॉट आई डी, ठीक है, यहाँ से मिल रहा होगा यूजर डॉट आई डी। तो आपने ऐसा सा कुछ बोला, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मैं आपको सी एल जी या रेक, हाँ मैं सी एल जी यहाँ पे करता हूँ, हो सकता है क्या, सी एल जी रेक डॉट यूजर यहाँ करता हूँ, और यही सेम चीज इसके बाद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैंने कॉल नहीं लगाया, नोटिस करना, नेक्स्ट अभी भी कॉल नहीं लगाया, बैच बैच का क्या आ रहा है भाई, अभी यार ये हटिया, चलो कोई बात नहीं, हमारी रिक्वेस्ट नीचे आ सकते भाई, यहाँ पे तो अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ पे ये वैलिड आ गया। ठीक है, जैसे ही ये आया वैलिड तो ये तो अनडिफाइन है ऑब्वियसली, इससे पहले ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। अभी तुमने रिक्वेस्ट को और मॉडिफाई कर दिया, उसमें डॉट यूजर करके ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो उसमें क्या है, यूजर डॉट आई डी है, नाम है दोस्तों, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। ये करने के बाद ना तुमने नेक्स्ट की कॉल लगा दी, ठीक है, नेक्स्ट को कॉल लगा दी कि भाई सारी चीजें सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाइयों भाइयों भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इस पर देखो मैं ऐसे करूंगा, आ गया, नहीं ये यहाँ यहाँ लेके आया, इस पर क्लिक करा, देखो ये आपस में घूम रहा है, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये एक्चुअली यहाँ जाएगा, वेयर इज दैट राउट, कहाँ गया भाई, ये रहा राउट, इसके बाद ये हो गया डन। नेक्स्ट इसके ये इस पे आएगा, अब रैक डॉट यूजर में आईडी मिल गई, रैक डॉट यूजर में आईडी मिल गई क्या, ठीक है ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद धड़ 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 तुम्हारा मैसेज सक्सेसफुली क्रिएट। अब करूँ क्या, करूँ क्या, करूँ क्या, क्रिएट ब्लॉग, यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए कि हाँ हो गया ब्लॉग क्रिएट, ब्लॉग क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्लॉग वाले राउट पे, एक ब्लॉग आ गया जो तुमने क्रिएट किया था, लाइव लाइव आया, लाइव आया ये, अभी तुमने किया है भाई, अभी तुमने किया है, मैंने नहीं किया है, ये तुमने ही किया है अभी क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर एक वो भी आ गया, ठीक है, क्रिएट ब्लॉग पे जाओ, टाइटल भेजो, कुछ भी भेज दो, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, मस्त है क्या, हाल चाल बताओ अपने, हाल चाल बताओ अपने, सबमिट, ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली डन, वापिस से जाओ भाइयों, क्या बात है भाई, हाल चाल बताओ अपने, ये इसको इसके यार देखो इतने समझदार हो, इसको कैसे हटाओगे, ठीक है, हाउ, देखो इसको ये आईडी भी आ रही है ना, ये आईडी, तो आईडी को चिपका दो ना, बस सिंपल सी चीज़ है ना, की 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 नाम सुना है आपने, की फ्रंट एंड में जाओ, ब्लॉग कहाँ रेंडर करा रहे हो, यहाँ रेंडर करा रहे हो, ये एक यूएल है, ठीक है, इस यूएल में धन देने से की दे के मारो उसके मुंह पे कि ले बेटे, बोलियो मतलब, ठीक है, इसको पकड़ और कंप्लीट आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये दो कैसे आ गया था, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा था तो दैट्स व्हाई वो उसकी वजह से आ गया हुआ, ठीक है, तो अब नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ तो रिफ्रेश करो, सारी चीज़ें चंगी सी, अब ये मेरे ब्राउजर में आता है ये एरर, ठीक है, ये तुम्हारे ब्राउजर में नहीं आएगा, ठीक है, जब मैं इनकॉग्निटो में खोलूंगा तो वहाँ नहीं आएगा, बट ये इसमें आता है, पता नहीं क्यों, बताओ यार इसका कोई सोल्यूशन, मैंने तो देखना मुझे नहीं मिला इतना, ठीक है, तो ये आ रहा है, तुम ही कर रहे हो ब्लॉग क्रिएट, तुम ही कर रहे हो ब्लॉग क्रिएट। अब देखो ये राउट प्रोटेक्ट कैसे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं एक इनकॉग्निटो खोलता हूँ, न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे तो ये आ गया, लेकिन भाई मुझे ना ब्लॉग क्रिएट करना है, मुझे ना ब्लॉग क्रिएट करना है, तो क्रिएट ब्लॉग पे जाऊँगा मैं, साइन अप मिल जाएगा मुझे, मुझे शो ही नहीं करेगा भाई ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो टोकन ही नहीं है, तो शो ही नहीं करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे साइन अप पे जाऊँगा तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ लिया है, ठीक है,
अब तुम इसको भी थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्ट तो नहीं, बेसिकली ये थोड़ा वही होता है कि अब देखो तुम होमवर्क देता हूँ तो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है जो ये क्रिएट व्लॉग में लग रही है ना, ये घूम गया माइक, अभी तुम्हें आवाज़ आ रही है ना भाई यार, अरे यार ये तो माइक घूम गया बोलते बोलते, तुम्हें अब तो आवाज़ तो आ रही होगी यार, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है इतनी जोर से बोल रहा हूँ। तो तुम ये कर सकते हो, अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन है तो उसको साइन अप और ये साइन इन फॉर्म सो ही ना करो, साइन इन फॉर्म सो ही ना, क्योंकि तू है भाई ऑलरेडी, ठीक है उसको यहीं पे ब्लॉग्स में यहाँ पे एक लॉग आउट बटन दिखा दो, लॉग आउट बटन दिखा दो जिससे कि वो लॉग आउट कर सके। और लॉग आउट में पता है क्या करना है, बहुत तकड़ी फंक्शनैलिटी नहीं है लॉग आउट में, क्या करना है तुम्हें तुम्हारी लोकल स्टोरेज में जो ये है ना यूज़र, इसको रिमूव करा, एक रिमूव आइटम करके आता है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करोगे यूज़र, मतलब जैसे इस बटन पे क्लिक हुए तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम पे ये हो जाए तो ये लॉग आउट हो गया, ठीक है। और लॉग आउट होने के तुरंत ही बाद उसको साइन अप पे नेविगेट करा दो, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, उसको साइन अप पे नेविगेट करा दो आप बस, ये चीज़ है। तो यार बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। ये तुम्हारे प्रोटेक्टेड राउट बता दिया मैंने कि हाँ कैसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसी ही कोई आके नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये तो एक वैलिड है, ठीक है मैंने ये कर दिया, मैंने इसके अंदर से ये हटा देता पार्ट, ठीक है मुझे मुझे प्रॉपर चीज़ें शो होंगी यार, प्लीज़ साइन इन, ठीक है सही है नहीं है। अब मैं यहाँ पे इनवैलिड टोकन बोलूंगा तो यार आधे तो बोलेंगे यार, जैसे कि मेरा कोई यूज़र है वो तो बोलेंगे इन टोकन की रहा है, ये टोकन क्या हुआ है, टोकन नहीं पता हमको, ठीक है। तो मैंने बोला प्लीज़ साइन इन, क्योंकि अब ये ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को भी दिखा दूंगा, ठीक है दोबारा तुम साइन इन कर लो ना दोबारा, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा देखो साइन इन करोगे और अकाउंट नहीं है, लाइक इस केस में, अब देखो साइन इन वाली फंक्शनलिटी मैंने बनाई नहीं है, इसको तुम एज अ होमवर्क ले सकते हो जस्ट टू चेक योर एबिलिटीज, ठीक है कितना तुम्हें आता है, ठीक है नॉलेज कितनी है, कुछ नहीं करना, सेम चीज़ें करनी है तुम्हें, सेम चीज़ें करनी है बस, यहाँ पे जैसे तुमने यहाँ पे कर रखी है ना साइन अप कर रखी है, सेम चीज़ें करनी है, एक फॉर्म बनाओ, दो फील्ड लगाओ, ये चीज़ ऐड कर दो, और ये भी चीज़ शायद से ऐड नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे पास तो डेटा तुम ले ही, हाँ ये चीज़ ऐड करनी है क्योंकि तुम डेटा ऑब्वियसली, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ ऐड करनी है और तभी तो बैकएंड में भेजोगे, वहाँ से वो रिटर्न करेगा कि अगर ये एग्जिस्ट करती है तो भाई ठीक है, ऑलरेडी तुम ये नहीं करती है तो भाई तुम इसको पहले साइन अप कराओ, वो सारी चीज़ भेजेगा, तुम्हें सब मैसेज कराना है रेंडर, समझ में आ रही है बात। तो यार मज़ा आया होगा होप सो, और भी चीज़ें हैं लेकिन वो इसी लेक्चर में नहीं हो सकती, धीरे धीरे कवर करेंगे भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है होप सो यार मज़ा तो आया होगा देखो तुम्हें, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है मज़ा तो आया होगा, ठीक है। और तुम्हारे कमेंट्स देखता हूँ यार, मुझे थोड़ा सही लगता है, ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि लाइव इंटरेक्शन किया जाए तुम्हारे साथ, मतलब डिस्कॉर्ड पे तो मैं हूँ ही, ठीक है और वहाँ भी आया जाए, एक मिनट रुको, क्या बोलते हैं मतलब यूट्यूब पे मैं एक बार लाइव करूँ यार, ठीक है जैसे अभी है तो मैं किसी दिन आऊँ और लाइव करते हैं, आधा घंटा बात करते हैं, लाइक यही यही रहेगा, ठीक है आके आधा घंटा तुम्हारे साथ बक ओदी, ठीक है करते हैं। तो भाई ऐसी ठीक है, ये यही है यार, बाकी तुम पढ़ते रहो, मुझे फीडबैक देते रहो, सही है कि नहीं है, कैसे हो भाई तुम, ठीक है बाकी तो यार यही है, ठीक है तुम्हें समझ में तो आ गया होगा। देखो मैंने फ्रंट एंड भी करा दिया, पोस्टमैन से भी करा दिया। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो इस अब इसमें एक चीज़ और है, ये तो तुमने अभी बहुत ऐसे तुम हीरो नहीं बन गए हो, मतलब हीरो भी बन गए ऑब्वियसली बात है, ठीक है ये चीज़ एक तो ये चीज़ समझ लेना, ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है ये चीज़ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें तुम्हें रिवीजन करनी है। देखो यहाँ पे टोकन नहीं है यहाँ बोला, फिर यहाँ पे अगर यूज़र नहीं मिला तो प्लीज़ साइन इन बोला, ठीक है ये सारी चीज़ आपने बोली है भाई, और यहाँ पे देखो इसको भी है, इसको हैंडल नहीं करा, ठीक है यहाँ पे इसको करना, ठीक है और क्या है ब्लॉग राउट में देखो एक ये है गेट ब्लॉग्स में, गेट ब्लॉग्स मतलब कौन कौन कर सकता है, ठीक है अपडेट कौन कौन कर सकता है, ये लॉजिक मैं तुम्हें बनवाऊंगा, इसकी टेंशन मत लो, ये कल करेंगे, ठीक है ये कल करेंगे, ठीक है कि कोई कर वही है वही कर रहा है ना भाई रिक्वेस्ट, कोई और तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है टेंशन मत देना। लेकिन अगर तुम खुद से कर सकते हो तो तालियां तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं कर सकते हो तो अपन है। तो यार आज के लेक्चर में इतने रखते हैं यार, मज़ा आ गया तुमसे बातचीत करके, लाइव होते तो और आता, ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, फटफट से तुम इसको रिविजन करो, नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी भाई, ठीक है तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।